نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अल्लाह के पाक नाम से 16वें पारे का आगाज करते हैं। 16वें पारे का आगाज सूरा अल-कहफ के आखिरी हिस्से से हो रहा है। हम सैयदना खजर और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को वहीं पे छोड़ आए थे। आइए देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। इरशाद है जहानों के बादशाह का, قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا। उसने कहा क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र न कर सकोगे। सैयदा खज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम को वादा खिलाफी और बेसब्री पर तंबीह की। मूसा ने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच गए हैं। सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम की माजरत तो थी ही, उन्होंने अपने लिए सज़ा भी तजवीज़ कर ली कि मैंने वादा खिलाफी की तो फिर मुझे साथ न रखिएगा। चुनांचे वो दोनों चल पड़े। क्या आप अपने इमेजिनेशंस में सैयदना खजर और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को सफ़र करते देख रहे हैं? क्या आप अपने तसव्वुर से उनके साथ साथ सफ़र कर रहे हैं? चुनांचे वो दोनों चल पड़े, हत्ता कि वो दोनों एक बस्ती वालों के पास आए। उन्होंने उसके बाशिंदों से खाना तलब किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उनकी मेहमान नवाजी करें। फिर इन दोनों ने उस बस्ती में एक दीवार पाई जो चाहती थी कि गिर जाए, तो उसने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते। कुछ बस्तियाँ कितनी बेरहम होती हैं। आजकल तो आप देखते हैं आप मोटरवे पे जाएं तो सर्विस एरियाज हैं, आप एक इलाके से दूसरे इलाके तक सफ़र करते हैं तो कितनी जगहों पर आप खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी ऐसी यानी खुद अपने पैसे खर्च करके या जिस भी तरह से आप अपने लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेते हैं। आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाना साथ लेके भी जा सकते हैं, आपके लिए वो मुश्किलात नहीं है। लेकिन कल तक जब हम देखते हैं कि बहुत दूर दराज के इलाकों तक ऐसा सिलसिला नहीं था तो लोग जिस इलाके में जाते थे तो इलाके के लोग ही मेहमान नवाजी करते थे। अजनबी रास्ते हैं, पता नहीं सड़क कैसी होगी, पता नहीं लोग कैसे थे। क़ुरान हमें ये बताता है कि सैयदना खजर को और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे मेहमान नवाजी का कहना पड़ा लेकिन बेरहम लोगों ने इनकार कर दिया। और उन्होंने देखा डिफरेंस ऑफ बिहेवियर्स है, रवैयों का कैसा फ़र्क है। उन्होंने देखा कि एक दीवार है जो गिरना चाहती है, यानी बिल्कुल गिरने के करीब है, तो उसने यानी हज़रत खजर ने उसे सीधा कर दिया। क्या आप अपने तसव्वुर में उस दीवार को सीधा होते हुए देख रहे हैं? मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते, यानी उन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा मामला नहीं किया, हम कुछ उजरत लेते तो शायद हम भी अपने लिए कुछ करने के काबिल हो जाते। नाखुशगवार सलूक के बावजूद सैयदना खजर ने कैसा उसने सलूक किया? क्या सैयदना खजर की ज़िंदगी में हमारे लिए कोई सबक नहीं है कि जो हमारे साथ नाखुशगवार बर्ताव करें हम उनके साथ खुशगवार बर्ताव कर सकें? जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे महरूम करे मैं उसे अता करूं।
अल्लाह हू अकबर। बेटा एक लम्हे के लिए सोचिए, इरादा कीजिए, क्या आप अपने आप को ऐसे मकाम पर पाते हैं कि आप इरादा कर सकें कि हमने नाखुशगवार बर्ताव के बावजूद लोगों से अच्छा बर्ताव करना है? कौन कौन रेडी है इसके लिए? देखें, मैं ख़ास तौर पर उन नौजवान बच्चियों से कहना चाहती हूँ जिन्होंने अभी ससुराली ज़िंदगी का आगाज़ नहीं किया। हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना दिया जाता है, माइंड को कंडीशन कर दिया जाता है, ससुराल जाके खुशगवार बर्ताव करना लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। हमारी माएँ ऐसी नस्लें तैयार करती हैं कि बच्चे के हाथ में कशकौल है, बेटी भी कशकौल लिए फिरती है, कोई मुझे मोहब्बत दे जाए, कोई मुझे तवज्जो दे जाए, कोई मेरी इज्जत कर जाए। आपने कशकौल लेके ज़िंदगी गुजारनी है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पे अमल करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलियदुल औलिया खैरुम मिन अलियदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ देने वाला है नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप देने वाले बनना चाहते हैं या फ़कीर बनना चाहते हैं? आप लोगों में से सच कौन बोलेगा मोहब्बतों का फ़कीर कौन कौन है ना? अब देखिए, एतराफ़ करना फ़ायदा देता है क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे मोहब्बत मिले। याद रखिएगा, मोहब्बत अल्लाह ताला ने देनी है, वो किसी के पास है ही नहीं। क्या अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए ये दुआ नहीं सिखाई, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा? ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों और औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। लीडरशिप रोल मांगा है, इस यकीन के साथ आप लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं कि आप किसी के हाथ में, किसी की ज़ात में मोहब्बत ना देखें। मोहब्बत का मालिक अल्लाह ताला है, तो आप मोहब्बत चाहते हैं ना, अल्लाह ताला से मोहब्बत मांगे। आप इज्जत चाहते हैं ना, कौन है जो इज्जत नहीं चाहता? आप इज्जत चाहते हैं ना, इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीया, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला से इज्जत मांगे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ नहीं की थी? आप लोगों में से कितने ही लोग हैं, हो सकता है वो दुआ करते हों कि या अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा कर दे और लोगों की नज़रों में बड़ा बना दे। तो बड़ा बनाने का क्या मतलब होता है? कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे वैल्यू करें। आप लोगों में से कौन चाहता है कि मैं अपनी नज़रों में छोटी हो जाऊं? बड़ा मुश्किल महाज है। इंसान सेल्फ लव के हाथों मजबूर होता है, सेल्फ इस्टीम उसे टिकने नहीं देती। तो आपने अल्लाह ताला से इज्जत मांगनी है और आपने अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह ताला से ये मांगना है, या अल्लाह मुझे अपनी नज़रों में छोटा कर दे। छोटा करने से ये मुराद होती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सलाहियतों को ना पहचाने, आप भक्षु बन जाए, या आप कोई दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लें और आप मिस्कीन बन के छुई मुई के फूल की तरह अंदर ही अंदर हो जाए। छोटा बनने से मुराद ये है कि तकब्बुर नहीं करना, अनानियत नहीं, अनापरस्ती नहीं। कौन इस मुश्किल महाज पर इस रमज़ान में काम करेगा, अल्लाह ताला से दुआ भी करेगा और ख़ुद कोशिश भी करेगा रेगुलरली कि या अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा कर दे और लोगों की नज़रों में बड़ा बना दे? तो आप ज़माने में जो कुछ चाहते हैं अपने रब से चाहें ना, अपने जैसों से क्यों चाहते हैं? आपको इज्जत चाहिए? आपको यकीन है कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए? वतुइज्जू मन तशाउ वतुज़िल्लू मन तशा, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और तू जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो इज्जत उसके हाथ में है, वो दे सकता है, मांग कर देखिए, वो ज़रूर देगा।
मोहब्बत उसके हाथ में है। क्या आज तो हम वो वाकया भी पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर मोहब्बत नहीं डाल दी थी? जो देखता था उसे प्यार आ जाता था। कोई कितना ही हसीन हो, कोई कितना ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, कितना ही माल वाला हो, ऐसा तो नहीं होता कि वो लोगों का महबूब बन जाए। अल्लाह ताला जिसे लोगों का महबूब बनाना चाहते हैं वही महबूब बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं, क्या आप ये हदीस सुनना चाहेंगे? अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलवाकर कहते हैं आप भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने लग जाते हैं, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों को निदा देते हैं, अल्लाह ताला फलां शख्स से, आप ज़रा इमेजिनेशंस में देखिए, आसमानों के ऊपर ये फैसले हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सब लोगों से कहते हैं और ज़मीन का कोई बंदा ऐसा है, अब सोचें इतनी ऊपर से इतनी बुलंदी से कैसे झांक के देखते हैं, वो बंदा कौन सा है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, और फिर सब लोग उसे पहचान भी जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों से कहते हैं अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, आप भी उससे मोहब्बत करो। सारे आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह, एक खाकी इंसान से आसमान वाले सब मोहब्बत करने लग गए। फिर आसमान से निदा जमीन पर आती है और ये निदा आती है कि आसमान वाले अल्लाह ताला फरिश्ते आसमान वाले फला इंसान से मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करो। इस तरह अल्लाह ताला उस शख्स की मकबूलियत रख देते हैं, लोगों को वो अजीज़ हो जाता है, लोगों को वो महबूब हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं होता कोई शख्स हमें कैसे अजीज़ हो गया। तो ये हमारे करने के काम नहीं है, ये बात आपको समझ आ गई? तो आप अल्लाह ताला को महबूब हो जाएंगे ना, तो आप सारे ज़माने को महबूब हो जाएंगे। तो करने वाला काम अल्लाह ताला की मोहब्बत है। तो देखें, जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है ना, वो कैसे काम करता है? वो नाखुशगवार बर्ताव के बावजूद खुशगवार सलूक करता है। अब आप देख लें कि आप अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करना चाहते हैं तो ये अल्लाह ताला के पसंदीदा काम है, इसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। आप ये मत देखें कि किसी ने मेरे साथ क्या किया, आप सिर्फ ये देखें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। झगड़ों के फैसले दुनिया में हो नहीं सकते, आप उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ताला के सुपुर्द की हुई कोई चीज़ ज़ाया होती है? कोई चीज़, आपकी कोई चीज़ जिसका आपने कभी अल्लाह के सुपुर्द किया हो और आपने देखा हो कि वो ज़ाया हो गई हो? रियली ऐसा कभी नहीं होता। तजर्बे करके देखा करें, आप तजर्बे करेंगे ना तो आपके पास वैल्यूबल चीज़ें जमा होंगी आपके माइंड में, आपके ईमानी तजर्बात बोलेंगे फिर। तो ईमानी तजर्बात ज़रूर करने चाहिए। देखिए, सैयदना खजर ईमानी तजर्बा कर रहे हैं। बस्ती में एक दीवार गिरना चाहती थी, उस दीवार को कैसे उन्होंने सीधा कर दिया, पता नहीं उस दौर में क्या टेक्नोलॉजी होगी, किस तरह से सीधा किया होगा, गिरा के सीधा किया या वैसे ही किसी एतबार से उसे सीधा कर दिया। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मेहमान नवाजी के बारे में शरीयत का मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है, इसे ईमान का तकाज़ा करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता है फलयुकरिम ज़ैफ़हू, उस पर लाजिम है अपने मेहमान की इज्जत करे। इज्जत करना लाजिम है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। قال هذا فراق بيني وبينك
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सॉरी सैयदना खजर ने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। सऊनबियु कभी तवीली मालम तस्तती अलैहि सब्रा, मैं जल्दी आपको उन बातों की असल हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। कैन यू इमेजिन, सब्र के बगैर कोई इल्म हासिल नहीं कर सकता। देखिए यहाँ बैठे हैं ना, ये आपका सब्र है, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको अजर देगा, लेकिन अगर आपकी अजर की नीयत होगी। अगर आप मजबूर होकर बैठे हैं तो मजबूरी रह जाएगी और अजर नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग बैठने पर अजर की नीयत कर लें, नंबर एक तो ये है। नंबर दो, मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे बैठकर आप जब तवज्जो से सुनते हैं तो फिर उठते नहीं। आप देखते हैं बेटा इस साइड पे यूथ बैठी है, इस साइड पे यानी थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो आप महसूस करते होंगे एक्सपीरियंस लोग कम उठते हैं, यूथ ज़्यादा उठती है। अगर मुझे यहाँ बैठे हुए कोई ज़रूरत फील नहीं होती कि मैं उठ के पीछे चली जाऊँ, साइड पे चली जाऊँ, तो बेटा आपको भी ज़रूरत नहीं फील होनी चाहिए अल्लाह से अजर पाने के लिए। तो आज के बाद आप सब्र करेंगे, और जब तक हम ये सेशन ऑफ नहीं होगा अपनी जगह पर सब्र करके अल्लाह से अजर की उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आपने अजर की उम्मीद बांध ली तो आपकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी, आपकी थकावट ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो सैयदना खज़र ने बता दिया कि आप इल्म हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आप सब्र नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ज़िंदगी के लिए बहुत गहरी बात है, सैयदना खज़र ने जो बात कही बहुत बड़ी बात है। सब्र के बगैर किसी को इल्म नहीं मिला करता। क्या सैयदना खज़र ने सब्र ना करने की वजह से अल्लाह के एक नबी को खुद से जुदा नहीं कर दिया था? इसलिए इल्म के मैदान में सब्र करना है इंशाअल्लाह। रही कश्ती, अब वो तावील बता रहे हैं, तो वो चंद मिस्कीनों की थी जो समंदर में काम करते थे। चुनांचे मैंने इरादा किया कि मैं उसे ऐबदार कर दूं, और उनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो ज़बरदस्ती हर कश्ती छीन लेता था। अब ये उनको नहीं पता था जिनकी कश्ती थी, नई कश्ती थी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई सुराख ना होता तो बादशाह पूरी कश्ती ही ले जाता। तो एक सुराख बुरा है, लेकिन पूरी कश्ती जाने से तो बेहतर है। तो उन्होंने वजह बता दी कि किस वजह से ये मुसीबत, ये तकलीफ उनके लिए सैयदना खज़र की जानिब से हुई, क्यों तकलीफ़ पहुंचाई उनके फ़ायदे के लिए। तो बेटा इसमें बड़ी हिकमत है, आपने इस बात को ज़रूर समझना है कि दुनिया में जब इंसान किसी बीमारी में, किसी माली नुकसान में, किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो आगे कुछ और होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आगे कुछ ज़्यादा सख्त चीज़ होती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला बचा लेते हैं। आप लोगों ने क्लिप देखा होगा कि एक शख्स है जो अपनी कार तेज़ दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, अचानक एक चट्टान रास्ते में आती है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। तो उसको चूँकि जल्दी पहुँचना होता है इसलिए वो बैठता है, रोने लग जाता है। फिर जब उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि अच्छा क्या जाने की क्या सूरत हो सकती है। तो उसे पता चलता है कि सड़क बीच में टूटी हुई थी और बड़ी खाई थी, तो वो चट्टान अल्लाह ताला की रहमत थी जो आके गिरी। उसको उस वक्त उसने फील नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये यानी मेरे लिए इतनी बड़ी रहमत हो गई। मुसीबत के बारे में जान लीजिए, अल्लाह ताला का ये फरमान है, नंबर एक तो ये कि कोई मुसीबत इंसान पर नहीं आती मगर उसके अपने हाथों की कमाई से होती है। नंबर दो ये है, मुसीबत बाज़ वक़्त आजमाइश होती है। नंबर तीन ये है कि अल्लाह ताला किसी ज़्यादा बड़ी आफत से बचा रहे होते हैं। इसलिए सब्र करना है मुसीबत में, और अल्लाह के फैसले, उसकी हिकमतों को समझने की कोशिश करनी कि अल्लाह ताला ने मुझे बेसबब तो नहीं इस हालत में रखा होगा, ज़रूर अल्लाह ताला की हिकमत होगी। और रहा लड़का जिसको कत्ल किया था, तो उसके वालिदैन मोमिन थे।
चुनांचे हमें अंदेशा हुआ कि वो उन दोनों को सरकशी और कुफर में फंसा देगा। सईदा खजर ने लड़के को कत्ल करने के बारे में बताया कि उसका मुस्तकबिल खतरनाक था, पैदाइशी काफिर था, उसने जाना ही जहन्नुम में था। मोमिन वालिदैन को के बेटे को कत्ल करने की तौजीह सईदा खजर ने बता दी कि यूं तो मैं दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन वो अजाब बहुत बड़े थे जो बेटे के हाथों वालिदैन को पहुंचने थे। क्या वालिदैन इसका तजर्बा नहीं करते कि जिन बच्चों को बहुत मोहब्बत से पाला होता है, समटाइम्स उनमें से कोई बच्चा जो है वो बहुत दुख देने वाला हो जाता है, तो उसके दुख उसकी अजियतें इतनी बढ़ जाती हैं कि कभी वालिदैन कहते हैं काश पैदा ही ना हुआ होता। तो खुद ही सारे फैसले क्यों करते हैं? जो फैसले अल्लाह ताला करते हैं उनको कबूल कर लें। भाई देखिए, इतना इतना अल्लाह ताला ने स्पेस दिया है, मार्जिन दिया है, बस जो अल्लाह ताला कर रहे हैं उस पर राजी हो जाए, तो अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाए, फायदा नहीं है? आप सुकून में आ जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। क्या आप अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहते हैं? इरादा करके राजी हो और अल्लाह से तौफीक मांगे, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे। अब आप देखें कितने इर्द गिर्द के हालात होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि इस मौके पर ये सारा कुछ मेरे साथ क्यों हो गया। लेकिन एक मोमिन का रवैया ये होता है कि जो हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, ज़रूर मेरे लिए खैर हो गई, और अल्लाह से वो दुआ करता है, और अल्लाह से अगर बुरे हालात फील करता है तो अल्लाह से के अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह तुझे पता है, अगर इसमें मेरे लिए कोई खैर है तब भी, और अगर खैर नहीं है तब भी आप मेरे हक़ में अच्छा फ़ैसला फरमा दीजिए, आप शर को दूर करने के लिए दुआ कर लीजिए। लेकिन घबराहटों के साथ नहीं, अल्लाह के फैसले पे राज़ी हो गए सब्र करके। आप तो बदलने जा रहे हैं भाई, आप तो बदल रहे हैं माशाल्लाह, आप इरादा कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहते हैं इंशाल्लाह। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए स्ट्रगल करनी है, करनी है ना इंशाल्लाह। मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये दिल की इबादत है, ये इबादत है, ये ऐसा नहीं है कि आपने बस अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गए दैट्स इट, आपने अजर की उम्मीद ही नहीं बांधी, इसी पे तो उम्मीद रखनी है। क्योंकि जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गया ना, अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो उससे राज़ी हो गए। क्या आप जानते हैं ये कितना बड़ा मकाम है कि आप अल्लाह से राज़ी हो गए ना तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह को राज़ी करने का यही तरीका है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो इस वाक़े से सबक मिलता है कि हादसात से कभी बददिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए। जो कुछ छुपा हुआ होता है ना वो अपने वक्त पर ज़ाहिर हो जाता है, इसलिए वक्त से पहले ज़ाहिर करने की तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आप अपना रिलेशन तो बनाए अल्लाह ताला से, आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ किस दर्जे का, नमाज के लिए नियत करते ही पता चल जाता होगा। तो पहला रिश्ता और आखिरी रिश्ता अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, इस रिश्ते को मजबूत कर लें। याद रखिएगा, हर रिश्ते के लिए इंसान को इन्वेस्ट करना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, सलाहियत लगानी पड़ती है, माल लगाना पड़ता है, राज़ी करना पड़ता है भाई। तो क्या आप अपने बच्चों को राज़ी नहीं करते, अपने वालिदैन को राज़ी नहीं करते, जिससे मोहब्बत करते हैं उससे उसको राज़ी नहीं करते? हर रिश्ते के लिए वक्त लगाना पड़ता है, अपने रब के लिए वक्त लगाना सीखें, इरादा करें, दुआएं करें, यहाँ बैठे हुए भी दुआ करें, अल्लाह ताला ज़रूर तौफीक देगा इंशाल्लाह। तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उन दोनों को उसका बेहतरीन बदल अता फरमा दे, जो पाकिजगी में उससे बेहतर हो। व अक्रबु रुहमा,
और रहमत में ज़्यादा करीब हो। अल्लाह ताला उस मकतूल के बदले में ऐसा बेटा अता फरमा दे जो नेक और सिला रहमी करने वाला होगा। अब आप देखें कि अल्लाह ताला इंसानों के हक़ में कितना मेहरबान है, जब इंसानों से कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले में कितनी बेहतरीन चीज़ देता है। इस वाक्य से सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हर जगह मदद करता है, हत्ता कि ऐसे मामले में भी जिसका इंसान को इल्म नहीं होता कि वो अपने रब से दुआ ही कर सके। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ही खैर कामिल का मालिक है और जुज़्वी इल्म की वजह से इंसान जान नहीं पाते। इसलिए इंसान का एक ही काम है, सब्र और शुक्र का रवैया अख्तियार करें। तो अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं हमें कहा कि आप मुसीबतों पर सब्र करें, नेमत मिलने पर शुक्र अदा करें। यह हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, रियली इसके बगैर हम नॉर्मल नहीं रह सकते। ये लाइफस्टाइल है, अल्लाह ताला का पसंदीदा लाइफस्टाइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हाल भी बड़ा अजीब है, उस पर मुसीबत आती है, सब्र करता है और अजर पाता है, और जब उसको अल्लाह ताला कोई नेमत देते हैं शुक्र अदा करता है और अजर पाता है। यानी हर दो सूरत में मोमिन के लिए अजर ही अजर है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और रही वो दीवार, तो वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन दोनों के लिए एक खजाना था और उन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। चुनांचे तुम्हारे रब ने इरादा किया कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंचें और अपना खजाना निकालें। तुम्हारे रब की तरफ से रहमत थी और मैंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया। इन बातों की असल हकीकत यह है जिस पर आप सब्र ना कर सके। सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार के बारे में बता दिया, दो यतीम लड़के इस जगह के मालिक हैं और इनका ख़जाना दीवार के नीचे है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बालिग होने के बाद ये अपना ख़जाना निकालें, इसलिए मैंने दीवार को सीधा कर दिया कि ख़जाने तक कोई ना पहुँचे। कितने अरसे के बाद उन लड़कों को पता चला होगा कि दीवार के नीचे ख़जाना है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कौन दीवार सीधी कर गया, शायद किसी से पता चल गया। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, अल्लाह ताला हर हस्ती से बढ़कर और सारी मखलूकात से बढ़कर सब इंसानों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। रुकू नंबर दो है, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا। ये तीसरा सवाल था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था अहले मक्का ने, और वो आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। आप कह दें कि उसका कुछ हाल जल्दी मैं तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाऊंगा, यानी अल्लाह ताला मेरे ऊपर वही नाजिल करेंगे और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। चौथी आजमाइश के वाक़े का आगाज़ है और ये ज़ुल्करनैन के हवाले से, जिसको इख्तदार के हवाले से आजमाया गया। दुनिया में इंसान पर सबसे बड़ी आजमाइश अकीदे की वजह से आती है, असाबे काफ की आजमाइश इसी के तवसत से हुई। दूसरी आजमाइश माल की वजह से आती है और माली आजमाइश हमने देखी दो बाग वालों के किस्से में। तीसरी आजमाइश इल्म की वजह से आती है जो हमने सैयदना मूसा और सैयदना हज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में देखी। और चौथी आजमाइश इख्तदार की वजह से आती है और इख्तदार की आजमाइश को हम ज़ुल्करनैन के वाक़े से देख रहे हैं। सैयदना क़तादा रहिमहुल्लाह कहते हैं कि यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में पूछा तो ये आयत नाजिल हुई। ज़ुल्करनैन कौन था? दुनिया का फ़ातह। जिसकी इख्तदार के हवाले से आजमाइश हुई तो वो इसमें पूरे उतरे। ज़ुल्करनैन अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन रखने वाला बादशाह था। ना तो वो नफ्स परस्त था, ना दौलत का हरीस था। उसकी फुतुहात का सिलसिला मशरिक़ व मगरिब के किनारों तक फैला हुआ था। कुल सातलू अलैकुम मिनहु ज़िक्रा,
आप कह दें कि उसका कुछ हाल जल्दी मैं तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाऊंगा। यानी मैं आपको ज़ुल्करनैन के बारे में ऐसे वाक्यात बताऊंगा जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत भी है इबरत भी, तो आप भी रेडी हो जाएं इस वाक़े से नसीहत हासिल करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर वाक़े से हमने इबरत हासिल की है, सबक हासिल किया। आइए देखते हैं आगे क्या है। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है कि हम उस पर शक कर सकें। ये जहानों के बादशाह की बात है जो हर इल्म वाले से ज़्यादा इल्म रखने वाला है। यकीनन हमने उसे ज़मीन में इख्तदार अता किया था और हमने उसे हर चीज़ से कुछ सामान दिया था। ज़ुल्करनैन का इख्तदार कैसा था? अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा सल्तनत मजबूत थी और अल्लाह ताला ने उसे हर चीज़ के असबाब वसाइल अता किए थे। ज़ाहिर है उन्हें तो बहुत सारे असबाब वसाइल चाहिए थे, दुनिया फतह करनी थी। इसका मतलब है उनको फ़ौजें भी मिली होंगी, उनको सवारियाँ ऐसी मिली होंगी, उनको ऐसे यानी असलहा ऐसा मिला होगा, और तामीर व तरक्की के लिए ज़ाहिर है आपकी ज़रात मजबूत हो, आपकी इंडस्ट्री मजबूत हो। तो हमें ज़ुल्करनैन हर जगह पे अपनी मजबूती के साथ खड़ा नज़र आता है। तो अल्लाह ताला ने उसे मुल्क में इख्तदार अता किया, उसे इल्म कुदरत और आलात वगैरह अता फरमाए जिसकी वजह से वो हर चीज़ तक रसाई हासिल कर सकता था। फ़अतबा सबबा, चुनाचे ज़ुल्करनैन कुछ सामान लेकर चला। कहाँ चला है ज़ुल्करनैन? क्या आप अपने तसव्वुर की आँख से ज़ुल्करनैन के साथ ट्रैवल कर सकते हैं? आप इस सफ़र को करेंगे तो आपकी कैफियत फ़र्क होगी। आप फिर गवासी करके जब बाहर आएंगे तो बहुत सारे कीमती मोती लेकर आएंगे। तो ज़ुल्करनैन ने कुछ सामान ले लिया है और कहाँ चला है? दुनिया फतह करने के लिए। एक इंसान इतना बड़ा विजन रख सकता है कि पूरी दुनिया को फतह कर ले? हाँ, ज़ुल्करनैन के वाक़े से हमें पता चलता है कि किसी की सोच की वुस्सत पूरे ग्लोब पे भी फैल सकती है, और ऐसे लोग दुनिया में आज भी हैं। तो दुनिया फतह करने के लिए जिस साजो सामान की ज़रूरत थी वो साथ लेकर चला। यहाँ तक कि जब वो सूरज गुरूब होने के मकाम तक जा पहुँचा, उसने सूरज को पाया, क्या आप देख रहे हैं कि वो एक दलदल वाले चश्मे में डूब रहा है, और उसके पास एक कौम को पाया। हमने कहा ऐ ज़ुल्करनैन, या तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में तुम नेक सलूक इख्तियार करो। ज़ुल्करनैन मगरिब की तरफ फतूहात करते हुए एशिया माइंस तक पहुंच गया, जहां एजियन सी समंदर का स्याह पानी, यानी उस समंदर का पानी स्याह था और यूं लगता था कि वो सूरज को अपने अंदर डुबो रहा है। यानी जैसे मशरिक से सूरज निकला और मगरिब में जाके उस स्याह पानी के अंदर डूब गया। आगे कुछ भी नहीं है, आगे ज़मीन नहीं है। तो ये ऐसा मकाम था जहां दरिया समंदर में आके गिरते थे। ऐसे मकामात पर घास और कीचड़ और स्याह दलदल जमा हो जाती है। तालाब भी होते हैं जो चश्मों की तरह नज़र आते हैं। ये आखिरी आबादी थी, वहाँ गहरे पानी का चश्मा था, और कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन बिल्कुल आखिरी सरहद तक पहुँच गया था। ज़ुल्करनैन ने कहा जिसने जुल्म किया तो जल्दी हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा तो वो उसे अजाब देगा, बुरा अजाब। बादशाह है, जुल्म करने का इख्तियार रखता है, लेकिन वो कहता है कि कोई भी जुल्म करेगा तो हम उसे सजा देंगे। इसका मतलब ये है कि वो आदिल बादशाह था जो अपने पूरे मुल्क और अपनी पूरी स्टेट, और सोचे उसकी स्टेट तो पूरी वर्ल्ड ही बन गई थी, कि मैं कहीं भी जुल्म नहीं होने दूंगा, मैं उसे बुरा अजाब दूंगा। ज़ुल्करनैन ने जालिमों को सख्त सजा देने का ऐलान किया और बताया उनका मामला रब के हवाले कर दिया जाएगा। यानी
ये एक सौले हुकूमत का मंशूर है जो ज़ुल्करनैन ने दिया। सौले अफराद की हौसला अफजाई की और उनके लिए सहूलियात और अच्छी जजा, जालिमों और हद से गुजरने वालों पर सख्ती, उनकी पकड़ धकड़ और सजा का सिलसिला जारी होगा। दूसरे सौले हुकूमत के मंशूर की वजह से माशरे के नेक अफराद की हौसला अफजाई होगी, एहसान का बदला एहसान होगा, मुजरिमों और जालिमों की बेइज्जती होगी, उन्हें सजा मिलेगी, तो आम अफराद का जराइम की तरफ रुझान नहीं रहेगा, इस्लाह की तरफ रुझान हो जाएगा। जिस हुकूमत में चोर डाकू जालिम राह पालें और उनकी इज्जत हो और हाकिमों के करीब हों, तो साले लोगों के खिलाफ हुकूमत ऐलान जंग कर देती है और उनकी बेखुनी का सिलसिला जारी रहता है। ऐसी हुकूमत का मैलान जो है वो फसाद की जानिब होता है और माशरे पर बुराई गालिब आ जाती है, माशरे पर फिर नेकी गालिब नहीं आती। व अम्मा मन आमन व आमिला सालिहन, और हाँ वो जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किए तो उसके लिए अच्छी जजा है और हम जल्द ही उसके लिए अपने काम में आसानी का हुक्म देंगे। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो अल्लाह पर ईमान लाया उसका अच्छा बदला है और वो जन्नत है। सुम्मा अतबा सबबा, ज़ुल्करनैन तो कहीं टिकता ही नहीं, मगरिब तक पहुँच गया, इलाके फतह कर लिए, इंतज़ाम कर लिया। अब ज़ुल्करनैन दूसरी मुहिम के लिए चल निकले हैं जो मगरिब से मशरिक की तरफ थी। वो ज़रूरी सामान लेकर चला, हत्ता कि जब वो सूरज तुलू होने की जगह तक पहुँच गया तो उसने उसे ऐसी कौम पर तुलू होते हुए पाया जिसके लिए हमने सूरज के आगे कोई पर्दा नहीं बनाया। यानी वैसी कौम थी जो घरों में नहीं रहती थी, मैदानों और सहराओं में रहती थी, सूरज और उनके दरमियान कोई आड़ नहीं थी। खाना बदोश लोग जैसे अपने लिए घर नहीं बनाते, तहजीब व तमदन से बिल्कुल बेगाना लोग थे, अपनी वहशी ज़िंदगी पर बिल्कुल मुतमईन और बड़े मसरूर थे। एक और बात भी थी, सूरज के और उनके दरमियान कोई आड़ नहीं थी, यानी वो बेलिबास कौम थी, लिबास नहीं पहनते थे। जहाँ तक ज़ुल्करनैन पहुँच गया, ना घरों में रहती थी, ना उनकी कोई छत थी, ना उनका कोई लिबास था, सूरज उनके नंगे जिस्मों पर तुलू होता था, ऐसे ही था। और ज़ुल्करनैन के पास जो भी था हमने उसका इल्म से इहाता कर रखा था। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन के असबाब, वसाइल, सलाहियतों और हालात के बारे में इल्म से इहाता कर रखा था, यानी अल्लाह ताला उसके बारे में सब कुछ जानते थे। सुम्मा अतबा सबबा, मगरिब भी फतह हो गया, मशरिक भी फतह हो गया, दोनों तरफ अपने झंडे गाड़ दिए हैं और जालिमों की बेखुनी करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अब ज़ुल्करनैन की तीसरी मुहिम है, वो उसके लिए ज़रूरी सामान लेकर चला, अब किसी और जानेब उसका रुख हो गया। हत्ता कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, तो उसने उन दोनों से उस तरफ एक कौम देखी जो करीब थी, करीब नहीं थे कि वो कोई बात समझे। तीसरी मुहिम में भी ज़ुल्करनैन को वहशी किस्म के लोग मिले जो अपनी जबान के सिवा कोई ज़ुबान नहीं समझते थे, यानी जिनका दूसरी कौमों से कोई मेल जोल ही नहीं था। उन लोगों ने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, यकीनन याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कोई आमदनी तय करें? क्या आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें? वैशी कौम ने ज़ुल्करनैन की फतूहत, कुव्वत और टेक्नोलॉजी से वाकफियत की वजह से दरख्वास्त की कि याजूज माजूज के हमलों से बचने के लिए बंद तामीर कर दे। वैशी कौम से गुफ्तगू के लिए हो सकता है किसी तर्जुमान से खिदमात ली गई हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को जो खसूसी वसाइल अता किए थे उनमें मुख्तलिफ ज़ुबानों का इल्म भी हो सकता है, तो उनकी तादाद दूसरी इंसानी नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा थी। कालू या ज़ुल्करनैन इन याजूज व माजूज, उन लोगों ने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज
यहाँ याजूज माजूज का तस्करा है, दो कौमें हैं जिनकी तादाद दूसरे इंसानों से बहुत ज़्यादा है। याजूज माजूज से जहन्नुम को भरा जाएगा, इनके चेहरे चौड़े मोटे, आंखें छोटी और बाल सुर्खी मायल स्याह होंगे। इनका एक ही काम है, मुफसिदू नफिल अर्थ, वो ज़मीन में फसाद फैलाने वाले होंगे, कत्लो गारत गरी लूट मार के ज़रिए ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। फिर क्या हम आपके लिए कोई आमदनी तय करें, यानी आपको कुछ माल दें, कोई टैक्स दें, आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें। वैशी कौम भी इस बात को जानती थी कि कोई काम करवाना हो तो टैक्स देना है, खराज देना है। उन्होंने जब देखा कि ज़ुल्करनैन फातह है और कुव्वत और टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि याजूज माजूज के हमलों से बचने के लिए बंद तामीर कर दे। अब ज़ुल्करनैन का जवाब देखिए, मशरक मगरिब पर झंडे गाड़े हुए हैं। ज़ुल्करनैन ने कहा, जिन चीज़ों में मेरे रब ने मुझे इख्तदार बख्शा है वही बेहतर है, चुनांचे तुम अपनी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक मजबूत बंद बांध दूंगा। यानी पावर चाहिए ह्यूमंस की भी और रिसोर्सेज की भी, कि आप ऐसा करो कि आप इसके लिए सर्विसेज दे दो, आप इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो ले आओ, दीवार मैं बना दूंगा, उसके लिए आप फिक्र ना करो, उसके लिए मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये एक सौले हुकूमत का काम होता है। जो हुकूमत ज़्यादा टैक्स लगाती है, आपके बोलने पे टैक्स, आपके पानी पे टैक्स, आपके सांस लेने पे टैक्स, आपके उठने बैठने, आप एक गरीब का बच्चा है ना, जिसके जिसको यानी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है, लेकिन हर गरीब का बच्चा भी टैक्स देता है। इतना बड़ा जुल्म का निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर कि हर कोई टैक्स देता है। अब आप उस दौर में जाके देखिए, एक आदिल बादशाह कहता है, आपके टैक्स की ज़रूरत नहीं है, आपसे टैक्स नहीं चाहिए, माली मुआवजे को कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी हुकूमत के मकासद का ऐलान किया, मकसद बताया कि मैं क्यों हुकूमत करना चाहता हूँ, कि जिन चीज़ों पर मेरे रब ने मुझे इख्तदार बख्शा है उसकी वजह से मैं जुल्म को और फसाद को ख़त्म करूँगा। कितना बड़ा मिशन है कि मैंने जुल्म नहीं होने देना, मैंने फसाद नहीं फैलने देना। तो अगर आप जुल्म और फसाद को ख़त्म कर देना चाहते हो तो मैं बिला मुआवजा बंद तामीर कर देता हूँ, फिर मैं बंद तामीर करने के लिए तुमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम को देख लें, किसी तरक्की पजीर कौम को देख लें, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से किसी को देख लें, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, कोई भी हुकूमत ऐसी है कि जो टैक्स ना लेना चाहती हो, जो टैक्स लगाना ना चाहती हो। ज़ुल्करनैन कैसा आदिल और सच्चा बादशाह था, वो सच्चा था कि उसने जुल्म को ख़त्म करना अपना मिशन बनाया, फसाद को ख़त्म करना अपना मिशन बनाया, और उसके लिए उसने कौमों पर टैक्स नहीं लगाए, बल्कि कौमों के लिए वो हेल्पफुल था, मददगार था, उनकी मादी तरक्कियों के लिए वो कोशिश करने वाला था। उसने माहिरीन, मजदूरों, काम करने वालों और तामीराती सामान का मुतालबा किया कि जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज ले आओ और सर्विसेज दे दो, बाकी ये कि टेक्नोलॉजी की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए मैं तुम्हारी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। आली ज़र्फ़ी है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे रब ने बहुत कुछ अता फरमाया है, हाँ जो जिस्मानी काम तुम कर सकते हो वो ज़रूर कर लो। मैं इस मौके पर आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ, चूँकि आप मुसलमान हैं और अहलुल कुरान में से हैं, माशाअल्लाह 16वां पारा पढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि कुरान के तकाजे तो अभी बहुत आगे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया का फसाद और दुनिया में जिस कदर अखलाकी अनर्की है उसको दूर करने के लिए अपने माशरे को
बेहतर बनाने के लिए नस्लों की तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सब अपने अपने घरों में सुकून के साथ रहें और माशरा खुद ब खुद तरक्की याफ्ता हो जाए, सबके अखलाक संवर जाएँ, माशरे से चोर बाजारी ख़त्म हो जाए, माशरे से मिलावट ख़त्म हो जाए, माशरे से डाका जानी ख़त्म हो जाए, माशरे से बेहयाई ख़त्म हो जाए। हर एक को रोल तो प्ले करना है, लेकिन अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि इसके लिए हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह 96 से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम लेके चल रहे हैं। माँ की तालीम और तरबियत के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों की तालीम और तरबियत के लिए हमने कोशिश की है कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म की वजह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से ऐसी माएँ तैयार करें और ममता का जज्बा जो अल्लाह ताला ने हर औरत के अंदर रखा है, उस ममता के जज्बे की तस्कीन के लिए ऐसे इंतजामात करें जिसकी वजह से माशरे के लिए हम ज़्यादा बेहतरी वाले इक़दामात कर सकें। हम पहले उन अफराद को तैयार करते रहे जो पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में हमारा साथ देने वाले हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, तो हम ऐसे अफराद तैयार करते रहे कि जो अपनी जगह पर कुरान सीखें, कुरान सिखाएं और इस तरह से इस तालीम को आम करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आज से 5 साल पहले हमने ये तय किया कि अब हम ग्रास रूट लेवल से नस्लों की तरबियत के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमने फ्री स्कूल का आगाज़ किया ताकि हम पायलट प्रोजेक्ट जब करेंगे तो हम भी देखेंगे कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितने लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कामयाब रहता है तजर्बा या नहीं रहता। 5 ईयर्स हमने इसके ऊपर काम किया, स्कूल पे, कॉलेज पे, फ्री कॉलेज, और हमने नाजरा कुरान सेंटर्स पे और इसी तरह हिज सेंटर्स पे। इस तजर्बे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब हम बड़े पैमाने पे अल्लाह ताला की तौफीक से स्कूल्स और कॉलेजेस लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने तय की है, एजुकेशन तो सबका फंडामेंटल राइट है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है वो खुद कोई सलाहियत दे सक सलाहियत लगा सकता है तो सलाहियत लगाएगा, कोई इसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, कोई माल लगा सकता है तो माल लगाएगा, लेकिन हम अपनी नस्लों की तरबियत ज़रूर करेंगे। हम इस सोसाइटी को आने वालों के लिए ऐसा नहीं छोड़ के जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमने 3 तरह के स्कूल्स ओपन करने का इरादा किया, एक इंटरनेशनल स्कूल जिस पर अभी हमने काम नहीं किया, एक पब्लिक स्कूल जिस पर हम काम कर चुके हैं, पब्लिक स्कूल सबके लिए है, उसमें अमीर का बच्चा भी पढ़ता है, मीडियोकर का बच्चा भी पढ़ता है और थोड़ा लोअर इनकम वाले लोग भी उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब हम वेलफेयर स्कूल कायम करने जा रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, उन लोगों के लिए हम यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, उनकी माओं की भी तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी हम आगे बढ़ के एफर्ट करेंगे कि उनकी माओं को, उनके घर वालों को भी ऐसे हुनर सिखाएं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम करने के काबिल हों और माशरे में सर उठा के जीने के काबिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की तौफीक से अब हम पाकिस्तान भर में स्कूल्स, कॉलेजेस, नाजरा सेंटर्स और हिफ्स का सिलसिला बड़े पैमाने पर शुरू करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि तारीख का एक वो दौर था जो ज़ुल्करनैन का दौर था, जहाँ वो नहीं चाहता था कि किसी से माल वसूल किया जाए और माल वसूल करके सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, तो हम भी नहीं वसूल करना चाहते माल उन लोगों से जो तालीम लेना चाहते हैं, तरबियत लेना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम मिलके उन लोगों के लिए
आसानियां पैदा करें और पूरे माशरे को पीसफुल बनाने में अपना शेयर डाल सकें। हम नहीं जानते अल्लाह ताला इसको कितनी बरकत देगा, हम नहीं जानते कि हम किस हद तक ये काम कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है क्योंकि हम इखलास से ये काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि हर जगह लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो कोई भी यहाँ या कहीं और हमारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहे तो वो अपना वक्त लगाना चाहे, अपनी सलाहियत लगाना चाहे, माल लगाना चाहे, रिसोर्सेज से हेल्प करना चाहे, जिम्मेदारी तो सबकी मुश्तरका है। अल्लाह ताला की यहाँ पूछ गिछ भी होगी, ज़रूर ये काम कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और यकीनन हमारा अजर हमारे रब के ज़िम्मे है। ना लोगों से एप्रिसिएशन चाहिए, ना लोगों से हमने इसका अजर लेना है इंशाल्लाह। मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ, यहाँ तक कि जब उसने उन दोनों पहाड़ों के दरमियानी हिस्से को बराबर कर दिया तो कहा धोंको, यहाँ तक कि जब उसने उसे आग बना दिया तो कहा मुझे लाकर दो कि उस पर मैं पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। ज़ुल्करनैन ने दो मुतालबात किए, मुझे लोहे की चादरें ला दो और आग दहका दो, दैट्स इट, कि आप आग जला दो, लोहे की चादरें लाते जाओ और बंद बनता जाएगा, यानी बंद जो है बांधा जाएगा। यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का खला था पुर कर दिया लोहे की चादरों से, तब कहा आप मेरे पास तांबा ले आओ, मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। ज़ुल्करनैन ने बंद को मजबूत करने के लिए लोहे के अंदर खास मकदार में तांबा मिला दिया। यह तरीका अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़ुल्करनैन को सिखाया, फिर अपनी किताब में बताया। तो जस्ट इमेजिन वो कितना, यानी तारीख कितनी पुरानी तारीख है इसकी, लेकिन ये जो लोगों के जहनों में है कि ये फलां की इजाद है, ये फलां की इजाद है, अल्लाह ताला जिसके थ्रू इंसानों की भलाई के लिए कोई काम करवाना चाहते हैं उसको उसका इल्म दे देते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म में से है। फिर ना उनमें ये ताकत रही कि वो उस पर चढ़ें और ना वो उसमें सुराख कर सके। याजूज और माजूज के लिए पहाड़ी दर्रे पर बंद बांधने की वजह से इंसानी आबादियों में आना मुमकिन न रहा। ज़ुल्करनैन ने कहा यह मेरे रब की एक रहमत है, चुनांचे जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा हमेशा से सच्चा है। ज़ुल्करनैन ने टेक्नोलॉजी पर गुरूर नहीं किया, अल्लाह ताला को याद किया और उसका शुक्र अदा किया। यानी लोगों ने तो उसे लोहे की चादरें ला दी और आग दहका दी, और ज़ुल्करनैन के करने वाला काम क्या था, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद किया और उसका शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला को हमसे भी यही मतलूब है, या अल्लाह तौफीक दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ तो आपको याद होगी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मुझे जिक्र करने की, शुक्र करने की और अपनी अच्छी इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। याजूज माजूज के बारे में तिर्मिज़ी की एक रिवायत है 3153 नंबर पर, सिलसिला है अहदीसे सहिया में ये रिवायत 1735 नंबर पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज और माजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं, यानी ज़ुल्करनैन का ज़माना तो बहुत अरसा पहले गुजर गया, और कल के लिए छोड़ देते हैं। जब अल्लाह ताला की मशीयत होगी कि वो निकल आए तो फिर वो इंशाअल्लाह कहकर खोदेंगे, फिर वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे, ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, लोग उनसे बचने के लिए कला बंद हो जाएंगे, वो आसमानों पर तीर फेंकेंगे, वो आसमानों पर तीर फेंकेंगे और वो खून आलूद हो जाएंगे, बिल आखिर उनकी गुद्दियों पर ऐसा कीड़ा पैदा होगा जिससे वो हलाक हो जाएंगे। तो हमें पता चला कि याजूज माजूज को मौका ज़रूर मिलेगा कयामत से पहले, और किस तरह से वो आसमान की जानिब तीर भी फेंकेंगे
और बिलआखिर अल्लाह ताला उनके खात्मे के लिए उनकी गुद्दियों में कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो हलाक हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, याजूज माजूज कब जाहिर होंगे, यानी कोई तो इसकी निशानी होगी। सईदना नवास बिन समान की रिवायत है कि याजूज माजूज का जहूर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, यानी वो आसमानों से आ जाएंगे, उनकी मौजूदगी में याजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे और उस दिन हम उनमें से बास को छोड़ देंगे कि वो एक दूसरे में घुस जाएं और सूर में फूंक दिया जाएगा। फिर हम उन सबको एक जगह जमा करेंगे, पूरी तरह जमा करना। कयामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों को पानी की मौजों की तरह इकट्ठा करेंगे। अल्लाहु अकबर, जैसे पानी इकट्ठा होता है ना समंदरों की मौजों को देखिए, ऐसे इंसान एक जगह पे इकट्ठे हो रहे होंगे और उस दिन जहन्नम को हम काफिरों के सामने लाएंगे अंजाम दिखाने के लिए। पूरी तरह सामने लाना, वो लोग जिनकी आंखें मेरे जिक्र से पर्दे में थीं और वो सुनने की इस्तेतात नहीं रखते थे, कयामत के दिन सरकशी का अंजाम देखने और बरतने के लिए पर्दे हटा दिए जाएंगे। रुकू नंबर 3 है, अफहसिबल्लज़ीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। तो क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने ये गुमान किया कि वो मेरे सिवा मेरे बंदों को कारसाज बना लेंगे? यकीनन हमने काफिरों के लिए जहन्नम को बतौर मेज़बानी तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों की इबादत करके उनकी हिमायत से मेरे अजाब से नहीं बच सकते, यानी वो तुम्हारे हामी बन जाएं और आप अल्लाह के अजाब से बच जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीन आमाला। आप कह दें क्या हम तुम्हें बताएं अपने आमाल में सबसे ज्यादा नामुराद खसारा पाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया। वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया के जिंदगी में गुम हो गई। ऐसा कैसे होता है कि इंसान जो भी करे दुनिया के लिए करे, आखरत के अजर के लिए कुछ भी बाकी ना छोड़े? वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। और वो ये समझते रहे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, कोशिश का जब कोई नतीजा बरामद नहीं होता तो वो कोशिश गुम हो जाती है। जो कोशिश दुनिया के लिए की जाती है कब्र में काम आती है। इंसान कमाई करना चाहे, माल कमाए, कितना माल साथ जाता है। अगर कोई माल कब्र के अंदर भर भी दे तो कब्र वाले को कोई फायदा नहीं, तो कोशिश कहाँ गई? जो कुछ माल कमाने के लिए किया, माल तो दुनिया की जिंदगी की जरूरत है, माल दुनिया में यूज कर लिया ठीक है, लेकिन जो रह गया तो सारी कोशिश कहाँ चली गई? माल कमाने में खत्म, माल कमा लिया जिंदगी में, अब क्या मिला आगे के लिए? क्या है? जस्ट नथिंग, खाली हाथ, खाली दामन। कोशिश से कभी इंसान सीधे रास्ते पर आ जाता है, कभी नहीं आता। कभी किसी की कोशिश सीधे रास्ते के लिए होती, कभी किसी की कोशिश बुरे रास्तों के लिए होती है। जब मौत आती है तो सीधे रास्ते पर कोशिश करने का वक्त नहीं रह जाता, क्योंकि किताबें आमाल बंद कर दी जाती है। न माल लगाने का वक्त रह जाता है, न कुव्वत सलाहियतें लगाने का वक्त रह जाता है, सब कुछ तो दुनिया ही में लग गया। यूं कोशिश दुनिया के लिए गुम हो गई, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना माल वहां लगा दिया जहां से कोई नतीजा सामने नहीं आया, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इंसान अपना वक्त जिन कामों में लगाता है, जब दुनिया खत्म हो जाएगी और जब मौत आती है उसकी दुनिया तो खत्म हो गई ना, जब किसी की जिंदगी का वक्त खत्म हो जाएगा तो फिर क्या चीज है जो काम आएगी? वल्बाकियातु सालिहात, बाकी रहने वाली याद रखिएगा नेकियां हैं, नेकी से मोहब्बत कर लें। नेकियों का मौसम बहार है, नेकी से मोहब्बत करना सीख लें, नेकी के लिए इरादे करें, नेकी के लिए दुआएं करें।
आज कितनी ज्यादा जरूरत है अपने वक्त, अपने माल, अपनी सलाहियतों के बारे में सोचने की। आज तय करें वक्त कहाँ लगाना है, माल कहाँ लगाना है, सलाहियतें कहाँ लगानी है। क्या रब ने नहीं पूछना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के कदम हशर के मैदान में अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे जब तक कि पांच चीज़ों का जवाब ना दे ले। उम्र किन कामों में गुजारी, जवानी किन कामों में पुरानी कर दी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कितना इल्म हासिल किया और उसके मुताबिक अमल कितना किया। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने मेडिकल एजुकेशन हासिल की थी या इंजीनियरिंग की या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की या जो भी दुनिया की लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस हैं या कुछ भी जो दुनिया के लिए आप करते हैं। कोई एजुकेशन ऐसी नहीं जिसके बारे में सवाल होगा। एक इल्म है, ज़िंदगी का इल्म, अल्लाह की किताब का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तालीमात का। अब क्या जवाब देंगे, कितना इल्म हासिल किया और उस पर कितना अमल किया। जवाब तैयार कर लें आज भी और बार बार। देखिए, आपका और आपके रब का मामला, मेरा काम सिर्फ आपके जहन में क्वेश्चन मार्क लगाना है। बाकी तो आपकी ज़िंदगी है ना। मैं मैक्सिमम ये कर सकती हूँ कि आपको झंझोड़ दूँ, आपको ऐसी पोजीशन पर ले आऊँ जहाँ आप सोच सकें। आपकी ज़िंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी। जाने की तैयारी के लिए मिली है, उधार पर मिली है, वापस देना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? अपने नोटबुक पर लिखें, मेरा माल आखरत में मुझे कहाँ तक काम आएगा, कौन सा माल काम आएगा। सईदा उमर ने सोचा, खैबर की ज़मीन सबसे ज़्यादा पसंद है, ये मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, असल रोक लो, फल सदका कर दो। तो उन्हें पता होता था ना, हर साल जब फल आता था बाग में, कि ये मेरे आखरत के लिए तोशा हो गया। आप वो कौन सा काम करते हैं जो आखरत के लिए तोशा करते हैं? माली एतबार से आपकी सलाहियत सारी की सारी कहाँ लग रही है? हो सकता है कि आप जॉब ना करती हो, बिजनेस ना करती हो, लेकिन आप बहुत बड़ा काम करते हैं। घर बजाते खुद बहुत बड़ा महाज है, रिश्ते बहुत बड़े महाज हैं, लेकिन आप जरूर देखिए आपका वक्त कहाँ लगता तो आपको ज्यादा अजर मिलता। देखें, आपको अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल दिया है कि आप पूरी सोसाइटी की तामीर कर सकती हैं, आप इंसानियत की मेमार बन सकती हैं, नस्ल इंसानी की तरबियत कर सकती हैं। आप एक बच्चे की या चंद बच्चों की तामीर करके समझती हैं कि मेरा फ़र्ज अदा हो गया? नहीं, फ़र्ज इससे बहुत आगे है। अगर हर माँ ये समझे कि मैंने महज मेमारे फर्जंद नहीं बनना, मैंने मेमारे इंसानियत बनना है, मैंने तामीर इंसानियत के लिए अपना शेर डालना है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस माशरे से बेराह रवि ख़त्म हो जाएगी, बद अखलाकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हर किसी को दूसरे के बच्चे की भी फिक्र होगी, अपने बच्चे के साथ साथ। और जब सब लोग बच्चों को अपने पास अपने रब की अमानत समझेंगे, तो माशरे में तब्दीली क्यों नहीं आएगी। तब्दीली कल भी इसी तरह से आई थी, तब्दीली आज भी इसी तरह से आएगी। क्या पहली वही इकरा नहीं थी? और दूसरी वही में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल मुद्दसिर कुम कुम फानज़िर, ए उड़ने लपेटने वाले उठो, आप कहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, उठो और लोगों को खबरदार करो। तो कहाँ जाके खबरदार करेंगे? हो सकता है आपके घर का गैराजी हो, जहाँ उन लोगों के बच्चे बैठे हों जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, उनको चंद अखलाकियात ही सिखा दें। मुश्किल काम नहीं है। आप चाहेंगे हम आपको ट्रेंड कर देंगे। आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे अफराद होंगे जो आपसे हेल्प चाहते होंगे। लेकिन एक फ़र्क है ना, इस्लाम में तो ऐसी क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये एलीट क्लास है और ये मिडिल क्लास है और ये लोअर क्लास है। सब अल्लाह के बंदे हैं,
सब मट्टी से पैदा हुए, सब एक हैं, पैदाइश के अतबार से तो एक ही हैं। इंसानों के साथ रहमत का मामला करेंगे ना तो अल्लाह के रसूल कहते हैं इरहमू मन फिल अर्दी, रहम करो जो जमीन पर है, यरहमुकुम मन फिस समाई, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान में। हाली ने इसको ट्रांसलेट किया अपनी जुबान में, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो जरूर इस बारे में सोचिए, रमजान का महीना है, आप अपनों को अपने जैसों को खाने खिलाते होंगे। आप आज से जितनी अल्लाह ने आपको वसत दी है आगे बढ़ के खुद इफ्तार कराने वालों में हो जाएं, उन लोगों को इफ्तार करवाने के लिए जिनके लिए इफ्तारी फराहम करना मुश्किल हो जाता। कितने ही वसवसे आएंगे, ये लोग कौन सा रोज़ा रखते हैं, नहीं मालूम कौन रोज़ा रखता है या नहीं रखता, भूखे तो हैं, किसी भूखे को खाना ही खिला देंगे। जब आपने इफ्तार की नीयत की है तो रोज़ेदारों को ही इफ्तार कराना चाहिए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर देगा आपके किए का इंशाल्लाह। आप किसी को राशन पहुँचाने के लिए फ़िक्रमंद हों कि चलो मेरी तवज्जो से किसी के घर में तो चूल्हा जलेगा, किसी के लिए अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करना आसान हो जाएगा। तो आप आज ज़रूर तय करें, क्या मेरे माल में दीन का भी कोई हिस्सा है, क्या मेरे माल में इंसानों के लिए कोई हिस्सा है, क्या मेरी सलाहियत में दीन का भी कोई हिस्सा है। दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी तो पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। इस दीन की तालीमात के लिए इंतज़ाम करना, दावत और तबलीग के इंतज़ाम करना पूरी उम्मत की जिम्मेदारी। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारी भी सारी कोशिश दुनिया के ज़िंदगी में गुम हो जाएगी। अल्लज़ीना ज़ल्लसायुहुम फिल हयाति दुनिया, वो लोग जिनकी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम हो गई, व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो ये गुमान करते हैं सब अच्छा कर रहे हैं, नाज़ा है अपनी काबिलियत पर, मुतमईन है कि हमने जो किया बहुत अच्छा किया, उस नुकसान अजीम से आशना नहीं है कि उन्होंने अपने साथ क्या मामला कर लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात के साथ और उसकी मुलाकात के साथ कुफ्र किया, तो उनके सारे आमाल जाया हो गए। चुनांचे कयामत के दिन हम उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। आखरत को छोड़कर सिर्फ दुनिया के मसाइल को देखना दरअसल अल्लाह ताला के नक्शे के खिलाफ अपना जाती नक्शा बनाना है। आपने भी जिंदगी के बारे में अपना एक नक्शा तो बना रखा होगा, जिंदगी कैसे गुजारनी है हर इंसान के जहन के अंदर होता है कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, उसको हर चीज उसी के मुताबिक वो प्लान करता है। याद रखिएगा, इंसान जब अल्लाह के नक्शे के मुकाबले में अपना नक्शा बनाएगा, अल्लाह ताला का मुकाबला करेगा, तो कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी है लेकिन ये जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई है, इस जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ही गुजारना है। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नक्शे के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ताला से कोई अजर नहीं पाएंगे, अल्लाह ताला के यहां पकड़ ही होगी। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे यहां दुनिया के माल को, दुनिया की इज्जत को तरक्की समझा जाता है और अल्लाह के दिए हुए प्रोग्राम के मुकाबले में अपने प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इंसानी प्रोग्राम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब दुनिया के लिए कोशिश की जाती है बज़ाहिर दौलत और इज्जत की वजह से यूं लगता है सब अच्छा है, लेकिन कयामत के दिन इनमें से किसी चीज का कोई वजन निकलने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे आमाल जाया होने वाले हैं। ये जहन्नम उनका बदला है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक बनाया। तो जो अल्लाह की आयात का रसूलों का मजाक उड़ाता है वो अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम करार पाता है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस की जन्नतें हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, उनसे जगह बदलना ना पाएंगे,
जगह बदलना ना चाहेंगे। जन्नत से ज़्यादा कोई बेहतर जगह नहीं होगी, इसलिए कहीं मुंतकिल होने की ख्वाहिश भी नहीं होगी। قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ आप कह दें अगर मेरे रब के कलिमात के लिए समंदर स्याही हो जाए, वो भी मेरे रब के कलिमात ख़त्म होने से पहले यकीनन ख़त्म हो जाएंगे, चाहे हम उसी के बराबर और स्याही ले आए। रब की ज़ात के दलायल ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे समंदर स्याही बन जाए। अल्लाह ताला ने हमें कई मकामात पर बताया, जैसे ये बताया वलवन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक्लामुन, कि अगर ज़मीन पर जितने दरख्त हैं सब कलमे बन जाएं, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहरिन, कि अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं और सात समंदर और भी आ जाएं, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। आप फरमा दें कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान ही हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि यकीनन तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। चुनांचे जो कोई अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है तो लाजिम है कि वह नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी एक को शरीक न करे। ये थी सूरह कहफ, जिसमें हमने चार आजमाइशें देखी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इनकी समझ भी नसीब करे, हर आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक भी दे, और अल्लाह ताला हम जैसे कमज़ोरों को बड़ी आजमाइशों से बचा लें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हम इसके बाद सूरह मरियम पढ़ेंगे, लेकिन परसों के दिन पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सूरत है सूरह अन्नूर, जिसमें माशरती ज़िंदगी के बहुत सारे अहकामात हैं, कीमती मोती हैं। वो ज़िंदगी जो हम बिता रहे हैं और वो ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है, उसके लिए माशरती अहकामात दिए कि हमने ख़ानदान में कैसे रहना है, घरों के बाहर घरों के अंदर हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। ख़ुद भी ज़रूर सूरह नूर को पढ़िए और अपने घर वालों को बाकी लोगों को भी ज़रूर इसकी जानिब तवज्जो दिलाइए, ताकि सब लोग अपनी ज़िंदगी के लिए कीमती मोती हासिल कर सकें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक नाम से सूरह मरियम का आगाज़ करते हैं। मक्की सूरत है, 98 आयात और 6 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला की बरगजीदा बंदी मरियम का जिक्र है। इसका मरकजी मौजू तौहीद बासबादुल मौत क़यामत है। इस सूरत में ज़्यादा कसस हैं, यानी वाक़ियात हैं, स्टोरीज़ हैं। सूरत के मजामीन ऐसे हैं जिसमें पिछले अम्बिया सौलहीन का तज़किरा है। ज़मीन पर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की एक तारीख़ है। रियली एक तो बादशाहों की तारीख है ना, और एक अल्लाह वालों की तारीख है, अम्बिया की, सौलहीन की। अल्लाह वालों का ये ताल्लुक़ कैसा था, आज वालों के लिए उनके इस ताल्लुक में क्या सबक है, रब्बुल इज़्ज़त ने उनका तज़किरा किया और तज़किरा करते हुए फरमाया इस किताब में मरियम का ज़िक्र करो, इस किताब में ज़करिया का ज़िक्र करो, इस किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करो। जानते हैं रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं, हम अपनी यादें बदल दें, मेमोरी कार्ड चेंज कर लें, मेमोरीज चेंज कर दें। देखिए आपके पास बहुत सारी मेमोरीज होंगी, लेकिन ये असल मेमोरीज हैं, असल यादें हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं उन लोगों की यादें दिलों में बसाएं जिन्होंने ज़मीन पर अपने रब के साथ सच्चा ताल्लुक़ कायम किया है, जिन्होंने सौले इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारी, उनकी सौलियत में हमारे लिए मिसाल है। अगर आप उनके ज़िंदगियों में देखना चाहें तो पहली ज़िंदगी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की है, जिनके पास औलाद नहीं थी। औलाद इंसान की फितरी ख्वाहिशात में से, औलाद की सौलियत के लिए सौले वालिदैन तड़पते हैं। सौले औलाद की दुआ सैयदना ज़करिया ने भी की और सैयदा मरियम की वालिदा ने भी, गो के इस सूरत में उसका तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन उसी औलाद की सौलियत ज़रूर सामने आती है, उनकी नेकी ज़रूर सामने आती है। इस सूरत से हमें यह भी पता चलता है
कि ऐसे में जब सारे आसार खत्म हो जाए, सब असबाब की नफी हो जाए, ऐसे में रब पर यकीन कैसे रखा जाता है। सुभान अल्लाह, आप तो यकीन का सफ़र करने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत से हमें अपने रब पर यकीन करना नसीब होता है, हमें समझ आती है यकीन कैसे किया जाता है। फिर जब अल्लाह ताला की जानिब से किसी को औलाद मिले तो उसे औलाद के लिए किस तरह से दुआ करनी चाहिए कि औलाद ज़िंदगी में क्या काम करे। सैयदना याहिया की सूरत में खुसूसी तौर पर हमें रहनुमाई मिलती है। फिर इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में और आज़र के बेटे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरत में भी रहनुमाई मिलती है, जब उन्होंने अपने वालिद को दीन की तरफ दावत दी। फिर सारे ही अम्बिया का उनकी अच्छी सिफात के साथ जिक्र है। सूरत के मजामीन भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन रिदम बहुत खूबसूरत है, और आज हम कोशिश करेंगे कि उस रिदम को ना तोड़ें। हम जब बहुत सारी गुफ्तगू अपनी करते हैं तो रिदम टूट जाता है। जहाँ ज़रूरत होगी हम ज़रूर बात करेंगे, वरना रिदम के साथ ही हम इसे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद, ये हुरूफ मुकत्तात हैं, इनके मानी को अल्लाह ताला ही जानता है। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ज़िक्र आपके रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। जब उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, क्या आप सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने तसव्वुर में ला सकते हैं? अल्लाह ताला ने रहमत को उनकी ज़िंदगी में मुजस्सम करके दिखाया है। ज़िक्र है आपके रब की रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। इस पूरे मंजर में अल्लाह ताला की रहमत का साया नज़र आता है। इज़नादा रब्बहू निदान खफिया, जब उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, उन्हें यकीन था मेरा रब सुनता है, दुआएं कबूल करता है। दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह ताला तो बग़ैर दुआ के भी सुनता है। ज़करिया ने कहा, ऐ मेरे रब, यकीनन मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे से शोले मारने लगा है, और ऐ मेरे रब, मैं आपको पुकारने में कभी ना मुराद नहीं रहा। वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, कैसा यकीन है कि आपसे मांग कर तो कभी ना मुराद रहा ही नहीं, अगरचे कोई सबब नहीं है ज़ाहरी तौर पर। फिर बताते हैं, और यकीनन मैं अपने पीछे अपने रिश्तेदारों से खौफ रखता हूँ, और शुरू से मेरी बीवी बांझ है, सो आप मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमाएं। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वारिस की अदम मौजूदगी, रिश्तेदारों की अदम अहलियत की वजह से ख़तरे का इजहार किया कि रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं जो इस काम को संभाल सके, और रिश्तेदार तो बेइल्म रह जाएंगे, उनका अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं जोड़ पाएगा। वो रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ नहीं थे, रिश्तेदारों से बेहद मोहब्बत करते थे, वो ये सोचते थे कहीं रिश्तेदार हक से दूर ना हो जाएं, कि अगर मेरा कोई वारिस ना हुआ जो इस मिशन को आगे बढ़ाए, और मेरे रिश्तेदार में कोई इस मिशन का अहल नहीं, तो कहीं रिश्तेदार हक से दूर ना हो जाएं। जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी, और ऐ मेरे रब, उसे पसंदीदा इंसान बना। ये नहीं कहा कि वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, या अल्लाह मैं चाहता हूँ वो आपको पसंद आ जाए, आप उसे ऐसा पैदा करें कि वो आपकी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ऐ ज़करिया, यकीनन हम आपको एक लड़की की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, इससे पहले हमने उसका कोई हमदाम नहीं बनाया। सैयदना ज़करिया ने अल्लाह ताला को यकीन के साथ पुकारा, तो अल्लाह ताला ने रहम, मोहब्बत, मेहरबानी और रज़ा की बारिश बरसा दी। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला राज़ी हो गया तो अल्लाह ताला खामोश रह जाए, फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है उस पर अपनी मोहब्बत निशावर कर देता है, अपनी रज़ा की बारिश कर देता है। और एक बूढ़े बाप को जिसकी बीवी बांझ है, बेटे की खुशखबरी सुना दी,
ये रहमत है अल्लाह ताला की। और ये बता दिया कि ये बेटा होगा, इससे पहले इस नाम का कोई बेटा नहीं हुआ, नाम भी अल्लाह ताला ने रखा यहया। जकरिया ने कहा अन्ना यकूनु ली गुलामन, ए मेरे रब मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी शुरू से बांझ है और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद तक पहुंच गया हूं। दुआ की कबूलियत के बाद ये सवाल किया कि अमलन ऐसा कैसे होगा, यानी इस बारे में उन्हें कोई डाउट नहीं था, यानी वो क्या तरीका कार होगा जो आप इख्तियार करेंगे कि मुझे भी पता चल जाए। कहा ऐसे ही होगा, आपके रब ने फरमाया हुआ अलैया हैयिनुन, मुझ पर वो बात आसान है और यकीनन मैं इससे पहले आपको पैदा कर चुका हूँ, हालांकि आप कुछ भी नहीं थे। तो अपने ज़िंदगी पे गौर कर लो, अगर आप पैदा हो सकते हो तो बूढ़े माँ बाप के घर औलाद क्यों नहीं हो सकती। अल्लाह ने बेटा पैदा करने का फ़ैसला कर लिया, वो कादरे मुतलिक है। ये कायनात भी तो पहले नहीं थी, क्या वो आदम से वजूद में नहीं लाया, तो एक इंसान को वजूद में लाना उसके लिए क्या काम है। जकरिया ने कहा रब्बी जाल ली आया, ऐ मेरे रब आप मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे लिए निशानी यह है कि तंदरुस्त होते हुए 3 रातें लोगों से बात न करेगा, यानी जुबान बंदी हो जाएगी। तो अपने कमरे इबादत से निकलकर अपनी कौम के पास आया, बस उनकी तरफ इशारा किया कि सुबह शाम तस्बीह करो। सुबह शाम की तस्बीह, सुबह शाम के अस्कार किस कदर इंसान की ज़िंदगी में बरकत लाने वाले होते हैं। और जब कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो तो दिन के दोनों किनारों पर तस्बीह बहुत काम आती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूटीन में हर सुबह और हर शाम ख़ास नौयत के अस्कार किया करते थे, तस्बीहात करते थे। अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लीजिए, आप PDF फॉर्म में सुबह शाम के अस्कार ले लीजिए, कार्ड फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर लें, लेकिन हर रोज़ इन अस्कार से ज़रूर नफ़ा उठाइए। या खुज़िल किताब बिकुव्वा, ए यहया किताब को मजबूती से पकड़ो, और हमने उसे बचपन में दीन की समझ अता की थी। सारे वाक़यात बीच में से ख़त्म हो गए। सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, पल बढ़कर अब वो जवान भी हो गए, अब वो मौका आ गया, अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बना दिया। और अल्लाह ताला के रसूल ने दुआ की थी कि इसे अपना पसंदीदा इंसान बनाना, तो पसंदीदा इंसान के रूप में सामने आ गए। अब सैयदना याहिया को रब की निदा आती है खुज़िल किताब बिकुव्वा, पसंदीदा इंसान का बड़ा काम है, किताब को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की वही को, कुरान को मजबूती से पकड़ लो। उस दौर का कुरान, उस दौर की आयात थी। तो सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताया रब्बुल इज्जत ने वआतैनाहुल हुक्म सबिया, हमने उसे बचपन में दीन की समझ अता की थी। इमाम शौकानी की राय में ये जो हुक्म है उसमें सारी बातें दाखिल हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया, फहम दिया, अज़्म दिया, नेकियों का शौक़ दिया, रग़बत और उनके हुसूल के लिए मेहनत और इंतहाई कोशिश करने के जज्बे अता किए। वहनानम मिन लदुन्ना वज़का, और अपनी जनाब से उसे नरम दिली और पाकिजगी अता की थी, और वो अल्लाह ताला से डरने वाला था। सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसी शख्सियत अता की, नरम दिली थी, पाकीज़गी। तो क्या आप अल्लाह ताला की पसंद को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेहनत करें, नरम दिली अल्लाह से मांगिए। क्या अल्लाह ताला ने अपने रसूल से नहीं कहा था फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाही, फिर ये अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन हुआ कि आप उनके लिए नरम दिल हैं। अगर आप उनके लिए सख्त दिल, सख्त खूह होते तो आप किर्द गिर्द से छट जाते। नरम दिली अंबिया की खसूसियात में से है, नरम दिली से लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, लोगों के दिलों में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाती है, नरम दिली से लोग खींचे चले आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला रफीक है, यानी नरम खू है, और नरम खुई को पसंद करता है,
और नरमी पर जो कुछ देता है सख्ती पर नहीं देता, सख्ती पर या इसके अलावा किसी चीज़ पर नहीं देता। इस अखलाकी वसफ की तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दी कि ऐसा मुमकिन है कि बच्चे की वालिदा बच्चे को थोड़ा बाहर रखें, बाहर भी लोग सुन रहे हैं तो आप भी वहाँ पर बैठे हुए सुन लें तो सब लोगों के लिए मुशक्क़त ना हो, काइंडली मेरी हेल्प कर दें पीछे जो लोग बैठे हैं जी। बच्चों के लिए एक जगह मुस्तकिल बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। माँ का दिल लपक लपक के चाहता है कि मैं अल्लाह की बात सुन लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को भी मुख्तसर कर देते थे बच्चों की वजह से। नेचुरली हमारा एक कैलेंडर है, हम मुख्तसर कर नहीं सकते इस वक्त पर, तो इस वजह से हमने रिक्वेस्ट की कि मदर जो है वो थोड़ा सा हेल्प कर दें। और अपने वालिदैन से नेकी करने वाला था और सरकश नाफरमान नहीं था। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर सैयदना याहिया को वालिदैन की इताअत का जज्बा अता किया था, ये अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम था। वालिदैन से नेकी करना क्या हर इंसान के बस में है? वालिद ने बच्चे की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला से जो सरगोशियाँ की थीं, अल्लाह ताला से जो अच्छा इंसान तलब किया था कि उसे पसंदीदा बनाना, ये उन दुआओं और सरगोशियों का नतीजा है। यही दुआएं माँ बाप को करने की ज़रूरत होती है। जो अल्लाह ताला का पसंदीदा बनेगा वो वालिदैन का हक शनास भी बनेगा। और सलाम है उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा और जिस रोज़ वो ज़िंदा करके उठाया जाएगा, अल्लाह ताला ने सलामती की ज़मानत दी है। रुकू नंबर 5 है, वस्कुर फिल किताबी मरियम, और इस किताब में मरियम का जिक्र करो जबकि जबकि वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरकी जानिब चली गई थी। तारीख में वो दिन भी था जब सईदा मरियम की वालिदा ने नजर मानी थी कि मैं अपने पेट के बच्चे को रब के लिए आज़ाद करती हूँ। फिर अल्लाह ताला ने बेटी की पैदाइश के बाद पहली बेटी थी जिसको कबूल कर लिया, उसे हैकल की नज़र कर दिया गया और बड़ी खिदमत के लिए उन्हें मुंतखब किया गया। उन्हें बिन बाप के बच्चे सईदा ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के तौर पर मुंतखब किया था। सईदा मरियम की जो खसूसियात कुरान मजीद में है वो पाकबास खातून थी, सिद्दीका यानी सच्चाई के आला मरतबे पर फायज थी, अल्लाह ताला की इबादत गुजार थी, अल्लाह ताला उन्हें बेमौसम के फल खाने को देते थे। फिर उसने उनकी तरफ से एक पर्दा बना लिया तो हमने उसके पास एक खास फरिश्ते को भेजा तो उसके लिए उसने पूरे इंसान की शक्ल इख्तियार की यानी सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और पर्दा जो सईदा मरियम ने किया था इस मकसद के लिए था कि वो किसी को नजर ना आए। ये पर्दा हैज से पाकिजगी के लिए भी था। इससे ये पता चलता है कि वो कंवारी और कम सिन होने के बावजूद पाकीज़ा थी और अपनी तन्हाई से मुतमईन थी। कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया, मरियम ने कहा यकीनन मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डर जाने वाला है। नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला का फरिश्ता है। एक ऐसे मर्द को अपने सामने देखा और एक ऐसी औरत ने देखा जिसने कभी मर्दों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखा था। बहुत हया वाली थी और बहुत ज़्यादा पाक जिंदगी उन्होंने गुजारी थी। घबरा उठी एक मर्द को देखकर। फरिश्ते ने कहा यकीनन मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा और मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और मैं कभी बदकार नहीं थी। फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा, तेरे रब ने कहा है कि वो मुझ पर तो बहुत ही आसान है और ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी जानिब से एक रहमत बना दें और हमेशा से ये तयशुदा काम है। फिर मरियम ने उस बच्चे का हमल उठा लिया, सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके गिरबान में फूंक मारी और सईदा मरियम को हमल ठहर गया। तब उसके साथ अलग होकर एक दूर की जगह चली गई। ये हमल 9 माह का था या कम। कंवारी लड़की का हामिला होना बहुत बड़ी आजमाइश है, इसलिए वो खामोशी से हैकल से निकल गई
और बैतुल लहम के मकाम पर चली गईं। फिर दर्द ज़े उसे खजूर के एक तने तक ले आया। आसमान वाला सईदा मरियम को कैसे देखता होगा? अल्लाह की रहमत ने छाँव की हुई थी। उसने कहा, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मैं भूली भुलाई भी होती। बच्चे की विलादत करीब थी, माएँ तो बहुत खुश होती हैं बच्चों की विलादत के मौके पर, लेकिन उन्हें खौफ था कि कहीं लोग मुझे बदकार ना समझें। बेचैनी में खजूर के दरख्त के नीचे आ बैठी थी। जचगी की तकलीफ़ थी, लेकिन लोगों की बातों का खौफ बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने मौत की आरज़ू की। फिर मरियम को फरिश्ते ने उसके नीचे से आवाज़ दी, अल्लाह तहज़नी, गम न करो, यकीनन तेरे रब ने तेरे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है। वहुज़ी इलैक बिजिज़्न नखलती, और तुम खजूर के तने को अपनी तरफ फैलाओ, तुम्हारे ऊपर तरोताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगा। खजूर जचगी के मर्ज के लिए बेहतरीन इलाज और खाना है, बस तुम खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम इंसानों में से किसी को देखो तो उससे कह दो कि यकीनन मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मान रखी है, चुनांचे आज मैं किसी इंसान से हरगिज कोई बात नहीं करूँगी। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलु, फिर वो उसको उठाकर अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा, ए मरियम बिलाशुबा तूने यकीनन बहुत बुरा काम किया। लोग लानत मलामत करने लगे, या उख्त हारून, ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, इशारे से ये कहा कि बच्चा बताएगा। लोगों ने कहा, हम इससे कैसे बात करें जो गोद में एक बच्चा है, यानी झूले में पड़े हुए बच्चे से बातें थोड़ी हो सकती हैं। उनके यहाँ चुप कर रोज़ा रखा जाता था और सईदा मरियम चुप के रोज़े से थी। और बच्चा बोल उठा, काला इन्नी अब्दुल्ला, बच्चे ने कहा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बरकत वाला बनाया जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, यानी नमाज पर दवाम का मुझे हुक्म मिला है, और अपनी माँ से हुस्न सलूक करने वाला बनाया, बाप तो था नहीं, और उसने मुझे सरकश और बदबخت नहीं बनाया, और सलाम मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यह है ईसा इब्ने मरियम, हक की बात जिसमें वो शक करते हैं, यानी यहूदी और ईसाई। अल्लाह ताला हमेशा से ऐसा नहीं कि वो कोई औलाद बनाए, वो पाक है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के बतन से जन्म लिया। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन उसके लिए कहता है हो जा, तो वो हो जाता है, और यकीनन अल्लाह ताला मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, चुनांचे तुम उसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। फिर ग्रोहों ने अपने दरमियान इख्तिलाफ किया, यानी यहूदियों और ईसाइयों के फ़िरकों ने, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया एक बड़े दिन की हाजिरी से हलाकत होगी। किस कदर सुनने वाले होंगे और किस कदर देखने वाले जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, लेकिन आज जालिम खुली गुमराही में है। और आप उन लोगों को हसरत के दिन से डराएं जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में हैं और ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला ने हसरत के दिन से डराने का हुक्म दिया जब फैसला कर दिया जाएगा। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द वमन अलैहा, यकीनन हम ही जमीन के वारिस होंगे और जो उस पर है, और वो सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। रुकू नंबर 6 है, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, और आप इस किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, यकीनन वो बहुत सच्चे नबी थे। इराक में पैदा हुए, उनके वालिद बुतपरस्त थे, अल्लाह ताला ने सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे अब्बा जान, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनता है और ना देखता है, ना आपके कुछ भी काम आ सकता है, यानी
किसी किस्म का नफा नहीं पहुंचा सकता। ऐ मेरे अब्बा जान, बिला शुबा मेरे पास यकीनन वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। चुनांचे आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधे रास्ते पर ले जाऊंगा। यानी मेरे पास अल्लाह की वही आई है और मैं आपको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हेल्प दे सकता हूँ। ऐ मेरे अब्बा जान, आप शैतान की इबादत न करें, यकीनन शैतान हमेशा से रहमान का बड़ा नाफरमान है। ऐ मेरे अब्बा जान, यकीनन मैं डरता हूँ कि आपको रहमान का कोई अजाब पकड़ ले, फिर आप शैतान के साथी हो जाएं। बाप ने कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम मेरे माबूदों से बेरहमती करने वाले हो? यकीनन अगर तुम बाज ना आए तो मैं ज़रूर तुम्हें संसार कर दूंगा और तुम मुझे छोड़ दो कि सही सालम हाल में हो। वालिद ने सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द करते हुए सवाल किया, तुम बुतों की इबादत से बेजार हो? उसने कहा, आप पर सलाम हो, मैं ज़रूरी अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा, यकीनन वो मुझ पर हमेशा से बहुत मेहरबान है। और मैं तुमसे भी किनारा कशी इख्तियार करता हूँ और उनसे भी जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा तुम पुकारते हो, और मैं अपने रब को पुकारता हूँ। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकारने में नामुराद नहीं रहूँगा। तो जब वो उनसे जुदा हो गया और जिनकी वो अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते थे, तो हमने उसे इसहाक और याकूब अता फरमाए और हर एक को हमने नबी बनाया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की खातिर सबको छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी और आला मकाम भी अता फरमाया, और हमने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और हमने उनके लिए सच्ची नामवरी को बहुत बुलंद कर दिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसी नामवरी मिली? यहूदी, ईसाई, मुशरिक, मुसलमान सब उनका अच्छा तज़किरा करते हैं। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। अच्छा तज़किरा करना इंसान की अपनी वजह से मुमकिन नहीं होता, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं अच्छा तज़किरा करवाते हैं। रुकू नंबर 7 है, वस्कुर फिल किताबी मूसा, और इस किताब में मूसा का जिक्र करो, यकीनन वो एक खालिस किया हुआ शख्स था और रसूल नबी था। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मकामों, मरतबे और अखलाक अजीम का तज़किरा करने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और हमने पहाड़ की दाईं जानिब उसे पुकारा और हमने सरगोशी करते हुए उसे करीब कर लिया, यानी राज की गुफ्तगू से तकर्रुब अता किया, और हमने उसे अपनी रहमत से उसका भाई हारून नबी बनाकर उसे अता किया। अल्लाह ताला ने मददगार के तौर पर सैयदना हारून को भेजा। वस्कुर फिल किताबी इस्माईल, और आप किताब में इस्माईल का जिक्र करो, यकीनन वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। माँ की तरबियत और अल्लाह ताला की पसंद कैसे एक हो गए? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अजीम में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के वादे के सच्चे होने का तज़किरा करने का हुक्म दिया, और वह अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा था। थोड़ी देर के लिए आप जगह तब्दील कर लें, समटाइम्स हवा डायरेक्ट आती है उसकी वजह से भी ठंडक लगती है। वस्कुर फिल किताबी इदरीस, और आप इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, यकीनन वो सच्चा नबी था। हर एक उम्दा इंसान के तौर पर हमारे सामने आ रहा है और हमने उसे बहुत आली मकाम तक बुलंद किया। अल्लाह ताला ने सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता की। यही लोग हैं जो उन पैगंबरों में से थे जिन पर अल्लाह ताला ने आदम की औलाद में से इनाम फरमाया, और उनमें से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था, और इब्राहिम और याकूब की औलाद में से, और उनमें से जिन्हें हमने हिदायत बख्शी और हमने मुंतखब किया, जब उन्हें और हमने उन्हें मुंतखब किया जब उन्हें रहमान की आयात पढ़कर सुनाई जाती थी, तो वो सजदा करते हुए और रोते हुए गिर पड़ते थे। ये है कुरान से ताल्लुक। अल्लाह ताला ने उन पैगंबरों का तज़किरा किया जो आदम, नूह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए, उन्हीं की खसूसियात का तज़किरा रब्बुल इज़्ज़त ने किया।
फिर उनके बाद ऐसे जानशीं पैदा हुए, उनकी जगह आए, जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लग गए, तो जल्द ही वो गुमराही को मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि नमाज को ज़ाया करने वाला बस वैसे ही सीधे रास्ते पे चलता रहे, वो रास्ता खो देगा। नमाज को छोड़ने वाला ईमान के साथ ताल्लुक कायम नहीं रख पाता। मगर जिसने तौबा किया और ईमान लाया और नेक अमल किए, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। जन्नती अदनिन अब्दी जन्नतें, जिनका रहमान ने अपने बंदों से बिन देखे वादा किया है, यकीनन उसका वादा हमेशा से पूरा होकर रहने वाला है। ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामा, उसमें वो सलाम के सिवा कोई लग्व बात न सुनेंगे और उनके लिए उसमें सुबह शाम उनका रिस्क होगा। जन्नत में कोई फजूल और लग्व बात नहीं होगी और सुबह शाम ख्वाहिशात के मुताबिक रिस्क फराहम किया जाता रहेगा। वहाँ कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, ये वो जन्नत है जिसका वारिस अपने बंदों में से उसे हम बनाएंगे जो अल्लाह ताला से डरने वाला हो। जन्नत की विरासत अल्लाह के डर के बगैर नहीं मिल सकती। इसके लिए जो माल चाहिए ना, वो दरअसल खौफ का अमल है, तकवा का अमल है, खशियत का अमल है। नसब की वजह से जन्नत की विरासत नहीं मिलेगी। सईदा आसिया ने दुआ मांगी थी, रब्बी बनली इंदक बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे, और हम आपके हुक्म के आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। उसी का है जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है और जो उसके दरमियान है, और आपका रब कभी भूलने वाला नहीं है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर नाजिल नहीं होते, वो आसमानों का और ज़मीन का और उसका रब है, और जो भी उन दोनों के दरमियान है, चुनांचे आप उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर पूरी तरह जमे रहो। क्या आप उसका कोई हम नाम जानते हो? अल्लाह ताला के मिसल कोई नहीं है। रुकू नंबर 8 है, वयकूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या, और इंसान कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो वाकई जल्दी मैं जिंदा करके निकाला जाऊंगा। आसमान वाइल एक बोसीदा हड्डी लेकर रसूलुल्लाह के पास आया, उसे रेजा रेजा कह करके कहने लगा, ए मोहम्मद, क्या अल्लाह इस हड्डी के फना करने के बाद इसे दोबारा जिंदा करेगा? आपने फरमाया, हाँ अल्लाह ताला इसे जिंदा करेगा। और सुन लो, अल्लाह ताला तुम्हें मौत देगा, तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम्हें जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है 3606 नंबर पर। और क्या इंसान याद नहीं करता कि यकीनन हमने इससे पहले भी उसे पैदा किया था, हालांकि वो कुछ नहीं था? क्या इंसान ने गौर नहीं किया? कहाँ थे आप 100 साल पहले? नाक, कान, आंखें, दमाग किधर थे? तो अगर अब हो सकते हैं तो मौत के बाद दोबारा नहीं हो सकते? कितनी बड़ी दलील है अल्लाह ताला की तरफ से। फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीना, बस आपके रब की कसम, हम इन सबको शयातीन समेत जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर हम जरूर उन्हें जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे, फिर हम हर ग्रोह में से जरूर खींच निकालेंगे जो उनमें से रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश है, फिर यकीनन हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नम में दाखिल होने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम में से हर शख्स उस पर से गुजरने वाला है। वो क्या चीज है? पुल सिरात का तज़किरा है, हर शख्स गुजरेगा। ये हमेशा से आपके रब की हतमी बात है जिसका फैसला किया हुआ है। कभी आपने तसव्वुर किया कि आप पुल सिरात पर से गुजरेंगे, और ये गुजरना कैसा होगा? सही हदीस में पुल सिरात के बारे में बताया गया कि जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा जिसके ऊपर से हर एक गुजरेगा, मोमिन काफिर सभी गुजरेंगे। मोमिन नेक अमल की वजह से बहुत तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ पलक झपकने की तरह यूं ही गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ परिंदों की तरह, कुछ उम्दा घोड़ों की तरह, कुछ सवारियों की तरह, कुछ सही सालम, कुछ जख्मी, लेकिन पुल उबूर कर लेंगे।
कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे जिन्हें शफात के जरिए निकाल लिया जाएगा। काफिर इस पुल को अबूर नहीं कर सकेंगे, सब जहन्नुम में गिर जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो अल्लाह ताला से डरते रहे, और हम जालिमों को इसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन्हें हमारी वाज़े आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उन लोगों से कहते हैं जो ईमान लाए कि हम दोनों ग्रुपों में से कौन सा मकाम में बेहतर है और मजलिस में ज़्यादा अच्छा है। जो लोग दुनिया की रौनकें अपने इर्द गिर्द इकट्ठी कर लेते हैं, और जो लोग सिर्फ रब की रजा की खातिर जीते हैं, दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ ज़मीन की खातिर अपना माल, अपनी कुव्वतें, सलाहियतें लगाकर समझते हैं कि हमारा स्टेटस बेहतर हो गया, सोसाइटी में हमारी इज्जत है, कदर व कीमत है, और जो आखरत को तरजीह देते हैं उनके लिए ये रौनकें मानी नहीं रखती। लोग अंदाज़ा लगाते हैं किसकी मजलिस ज़्यादा अच्छी है, किसके गिर्द भीड़ ज़्यादा इकट्ठी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की मोहब्बतों और अकीदतों का मरकज़ बन जाते हैं, उन्हें लगता है हमारा सोसाइटी में बड़ा मकाम है। तो अल्लाह के यहाँ क्या मकाम होगा कौन जानता है, वो तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के यहाँ उसी का मकाम है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, यकीनन तुम सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है। और कितने ही ज़माने के लोग हमने इनसे पहले भी अलग कर दिए हैं जो इनसे साजो सामान और देखने में ज़्यादा अच्छे थे। कुल मन काना फिज़्ज़लालती, आप कह दें जो शख्स गुमराही में होता है तो लाजिम है कि उसे रहमान एक मुद्दत तक मोहलत दे, यहाँ तक कि जब वो उसे देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, अजाब या क़यामत, तो वो ज़रूर जान लेंगे कि कौन है जो मकाम में बदतर है और लश्कर के लिहाज से ज़्यादा कमज़ोर है। अल्लाह ताला गुमराहों को इम्तहान की वजह से ढील देते हैं, अनकरीब उन्हें पता लग जाएगा किसका लश्कर ज़्यादा कमज़ोर है और कौन ज़्यादा बदतर है। और अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने हिदायत पाई हिदायत में ज़्यादा करता है, और बाकी रहने वाली नेकियां ही आपके रब के नज़दीक सवाब और अंजाम के अतबार से बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया अगर आप मकाम बनाना चाहते हैं तो बाकी रहने वाली नेकियां करें। अफराई तल्लजी कफर अभी आयातीना, तो क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने हमारी आयात का इनकार किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद लाजमन दिए ही जाते रहेंगे। ये एक खास मेंटालिटी है, कुफर करने के बाद माल पर भरोसा करने वाले किस तरह से माल की वजह से इज्जत तलाश करते हैं। क्या उसने गैब पर इत्तला पाई है या उसने रहमान के नज़दीक कोई अहद ले रखा है? हरगिज़ नहीं, जो कुछ वो कहता है वो हम ज़रूर लिखेंगे और हम उसके अजाब में इजाफा करेंगे, बहुत इजाफा करना। और जो कुछ वो कह रहा है हम उसके वारिस होंगे और वो हमारे पास अकेला आएगा। और उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा माबूद बनाए हैं ताकि वो उनके लिए बायस इज्जत हों। इज्जत हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद बनाए हैं। हरगिज़ नहीं, जल्दी वो उनकी इबादत का इनकार कर देंगे और उनके खिलाफ मद्दे मुकाबिल हो जाएंगे। झूठे माबूद कयामत के दिन उल्टे मुखालिफ बन जाएंगे और अपनी पैरवी करने वालों को ही जुटला देंगे। रुकू नंबर 9 है कि आपने देखा नहीं कि यकीनन हमने काफिरों पर शयातीन भेज दिए हैं जो उन्हें उभार रहे हैं, खूब उभारना। फलाता जला लई हिम, चुनांचे आप उन पर जल्दी ना करें, दिल में तंगी ना लाएं, उनके आमाल गिने जा रहे हैं, यकीनन हम उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। अच्छी तरह शुमार करना, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जिस दिन हम मुत्तकियों को मेहमान बनाकर रहमान की तरफ जमा करेंगे, मुत्तकियों के डेलीगेशन जाएंगे रहमान के पास, आप उस डेलीगेशन में जाना चाहते हैं? तो मुत्तकी बनने के लिए हमने एफर्ट करनी है इंशाल्लाह। और हम मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासा हांकेंगे, मुजरिम प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम की तरफ हांक कर ले जाए जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। आज भी तो इंसानियत का सबूत नहीं दे रहे। जो एनिमल लेवल पर ज़िंदगी बसर करता है,
जिसका जहन ये सोचता है खाले पीले जीले, खाना पीना और इनको बरतना ही जिंदगी है, तो उसका लेवल इंसान का लेवल नहीं है। इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, इतना खुद गर्ज नहीं हो सकता इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो उंस रखता है और उंस की वजह से दूसरे इंसानों के लिए भी कुछ करना चाहता है। अल्लाह ताला हमें अपने कुंबे के साथ मेहरबान बना दे, अल्लाह ताला हमें ऐसा कर दे। उन्हें किसी सिफारिश का इख्तियार नहीं होगा, मगर जिन्होंने रहमान से कोई अहद ले रखा है, इस अहद का मतलब ईमान और तकवा भी है। अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश की इजाज़त अहले ईमान और अहले तकवा को होगी। और उन्होंने कहा रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, मुशरिकों ने रहमान का बेटा बनाया है, बिलाशुबा तुम यकीनन बड़ी भारी बात को आए हो। अल्लाह ताला की मखलूक को उस जैसा समझना बड़ा अजीम गुना है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, करीब है कि इससे आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया है, हालांकि रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आसमान और ज़मीन में जो कोई भी है रहमान के पास गुलामी बनकर आने वाला है। बिलाशुबा यकीनन उसने उनका इहाता कर रखा है और उसने उन सबको खूब अच्छी तरह शुमार करके गिन रखा है, और उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके पास अकेला आने वाला है। हर शख्स अल्लाह के सामने ऐसे हाजिर होगा, कोई मददगार ना होगा। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं, जल्द ही रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। दुनिया में नेकी और तकवा की वजह से ईमान वालों की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर दी जाती है। तो रहमान से मांगिए, हक के रास्ते पे चलने वालों को इब्तिदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन पर चोटें कसी जाती हैं, बहतान लगाए जाते हैं, बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बिल आखिर मुखालफत करने वाले ही उनके जानिसार साथी बन जाते हैं। उनका बुलंद किरदार लोगों के दिल मोह लेता है और बादशाह भी अपने तमाम तर इख्तियारात के बावजूद लोगों के दिलों में घर करने से महरूम रहते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है जो मकबूल बंदों को नसीब होता है। सो यकीनन हमने इस कुरान को आपकी ज़ुबान पर आसान कर दिया है ताकि आपके साथ परहेजगारों को खुशखबरी सुनाएं और उन लोगों को इसके साथ डराएं जो सख्त झगड़ालू हैं, और इनसे पहले कितने ही ज़माने के लोगों को हमने हलाक कर दिया। हल तो हिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, क्या आप उनमें से किसी एक को भी महसूस करते हैं? कौमे नूह को, कौमे आद को, कौमे समूद को, कौमे लूत को, औ तस्मऊ लहुम रिक्ज़ा, या उनकी कोई आहट भी सुनते हैं? क्या किसी दौर के अफराद को पिछली सदी के अफराद की आहट तक सुनाई देती है? अल्लाह ताला ने इस सवाल के साथ ही सूरत को कंप्लीट कर दिया। सूरह मरियम इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह ताला हमें बहुत उम्दा अंदाज में हमेशा इसकी तिलावत करने, इसको समझने, अपनी यादों को तरोताज़ा करने के काबिल बना दे। अल्लाह के पाक नाम से सूरह तौहा का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 135 आयात और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहा मानज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया, मुशक्क़त यही थी जो रसूलुल्लाह उठा रहे थे, काफिर माइल नहीं होते थे और आप हसरत में मुब्तिला थे। आपसे कहा गया गम करके मुशक्क़त ना उठाएं। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, मगर ये तो नसीहत है उस शख्स के लिए जो डरता है। क्या आप जानते हैं हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का सबब ये आयात थी? उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब के घर में इन्हीं आयात की तिलावत हुई थी और हज़रत उमर का दिल मेल्ट हो गया था। या अल्लाह हमारे दिलों को भी अपनी किताब से मेल्ट कर दीजिए।
उस जात की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया। वसी रहमत वाला अर्श पर बुलंद हुआ। अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने की तफसीलात हमें मालूम नहीं है। उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है और जो उन दोनों के दरमियान है और जो गीली मट्टी के नीचे है। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मिल्कियत में है, उसके हुक्म के मातहत है। अगरचे आप बुलंद आवाज से बात करें, यकीन वो तो पोशीदा और पोशीदा तर को भी जानता है। अल्लाह ताला खुफिया बातों और दिल के हालात को जानता है। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके लिए बेहतरीन नाम है। वहल्लता का हदीस मूसा, बहुत प्यारा वाक़या है। और क्या आपको मूसा की खबर पहुँची है? यानी जब मदियन से मिस्र की तरफ वापस आ रहे थे, क्या आपको वो वाक़या पहुँचा है? आप अपने तसव्वुर से मदियन में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तैयारी करते देख सकते हैं। अब वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर निकले हैं। रात अंधेरी थी, सर्द रात थी, रास्ते की खबर नहीं थी। दूर से आग के शोले बुलंद होते हुए देखे हैं। तब सड़कें तो नहीं थी जिस पर माइलस्टोन लगा हो, पता हो ये सड़क फुलां तरफ जा रही है और इतने किलोमीटर बाकी हैं। जब उसने एक आग देखी, आप भी उस आग को देख सकते हैं, ये खास आग है। अगर आप इस आग में चाहें दुआ करें तो अपने रब को तलाश कर सकते हैं। जब उसने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, यकीनन मैंने एक आग देखी है, शायद कि मैं इसमें से तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं या उस आग पर कोई रहनुमाई पाऊं, यानी मिस्र का रास्ता पूछ लूं। फिर जब उसके पास आया तो आवाज दी गई, या मूसा, क्या हालत हुई होगी दिल की, कोई जानता तो नहीं था। ए मूसा, खूब अंधेरा है, सन्नाटा है, रात का वक्त है, सर्द रात है, आग जल रही है और दरख्त से आग निकल रही है। दरख्त से ही गैबी आवाज आई है। आवाज क्या है? इन्नी अना रब्बुका, यकीनन मैं ही तुम्हारा रब हूं। फखलाना अलैक, अपने जूते उतार दो। इन्नक बिलवादिल मुकद्दस तुआ, यकीनन तुम मुकद्दस वादी तुआ में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है, बस जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहि सलाम को अपनी नबुव्वत और हम कलामी के लिए मुंतखब करने का एजाज अता फरमाया। यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। व अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, याद रखिएगा नमाज इसीलिए फ़र्ज की गई, मेरी याद के लिए, अल्लाह की याद के लिए। अल्लाह ताला ने ये अमल, इतनी बड़ी दौलत हमें दी है कि हम अल्लाह को याद कर सकते हैं। नमाज अगरचे इबादत में शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला का याद करना, अल्लाह को याद करना नमाज में बड़ी अहमियत का हामिल है। इन्ना सात आतियतुन, यकीनन कयामत आने वाली है, करीब है कि मैं उसे छुपाऊं ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की। यानी कयामत को पोशीदा रखने का सबब यह है कि हर शख्स उसके आने से पहले अमल कर ले, सो तुम्हें इससे रोक ना दे कोई शख्स जो उस पर ईमान नहीं लाया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ है, बस तुम हलाक हो जाओगे। कयामत से तुम्हें वो गाफिल ना कर दे जो ख्वाहिश नफ्स का बंदा है। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा, अब आप सोचें दरख्त है, आग निकल रही है, इर्द गिर्द कोई नहीं, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अब अल्लाह ताला का ट्रेनिंग देने का अपना अंदाज है, मुलाकात का भी अपना अंदाज है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने असा के शऊर को जिंदा रखने के लिए सवाल किया, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? ये मुलाकात है तूर की वादी में, जहां अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा से कलाम किया। सरमा की तवील अंधेरी रात है, ठंडक है,
अपने घर वालों के लिए आग लेने आए थे, आग से एक अंगारा चाहिए था। जिसको आग चाहिए थी उसको रब मिल गया। कितनी बड़ी दौलत है, रब से मुलाकात कोई छोटा काम है? छोटा एजाज है, इतना बड़ा एजाज है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? ये सवाल इसलिए किया गया कि सैयदना मूसा के जहन में लाठी का लाठी होना हकीकत बनकर ताज़ा हो जाए, ताकि जब लाठी में तब्दीली आए तो इस हकीकत को कबूल कर सकें। कल ही आसाया, मूसा ने कहा यह मेरी लाठी है, घबराए नहीं, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इसके साथ अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी कई ज़रूरतें। लाठी के फवायद जानने की अल्लाह ताला को तो ज़रूरत नहीं थी। सैयदना मूसा चाहते थे बात लंबी हो जाए, मुलाकात थोड़ी तूल पकड़ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्किहा या मूसा, फेंक दो इसको या मूसा। मुझसे अता करना चाहते थे अल्लाह ताला, तो मूसा ने उसको फेंक दिया। तो अचानक वो एक सांप था जो दौड़ रहा था, लाठी सांप बन गई, जिंदगी का मौजजा जाहिर हो गया। लाठी मुर्दा है, उससे जिंदा वजूद का निकलना बहुत बड़ा मौजजा था। काला खुजा वाला तखफ, अल्लाह ताला ने फरमाया इसको पकड़ो और डरो मत, जल्दी हम इसको पहली हालत पर लौटा देंगे। जब अल्लाह ताला ने कहा तो उन्होंने सांप को पकड़ लिया और सांप फिर रसा बन गया। जिंदगी, मौत, मौत के बाद फिर जिंदगी, ये मौजजा दूसरी शक्ल में जाहिर हो गया। और अपना हाथ अपनी बगल से मिलाओ, आप हाथ इस तरह डालते ना, यूं सफेद चमकता हुआ बगैर ऐब के निकलेगा, जैसे बल्ब रोशन हो, ये दूसरी निशानी है, ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ दिखाएं। इज़बिला फिरौना इन्नहु तगा, अब तुम फिरौन के पास जाओ, यकीनन उसने सरकशी की है। रुकू नंबर 11 है, काला रब्बिश्रहली सदरी, मूसा ने कहा ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दीजिए। सीने में तंगी आती है ना, जब इंसान कोई काम करना नहीं चाहता लेकिन करना लाजिम हो, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। वह यसर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान बना दे, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई आसानियां भी पैदा नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालतहु सहलन, अल्लाह कोई चीज़ आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझें, या अल्लाह मेरी बात को काबिल फ़हम बना दे। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए मेरे ख़ानदान से एक मुआविन मुकर्रर कर दे। हारून अखी, हारून को जो मेरा भाई है, उश्दुद बिही अज़री, इससे मेरी पुश्त को मजबूत कर दे और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम कसरत से तेरी तस्बीह बयान करें। व नस्कुरा का कसीरा, और हम कसरत से तेरा जिक्र करें। इन्नका कुंत बिना बसीरा, यकीनन तू ही हमारे हाल को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन जो तूने मांगा तुझे दे दिया गया ऐ मूसा, सारे मुतालबात मंजूर हो गए। और बिलाशुबा यकीनन हमने एक बार और तुम पर एहसान किया था। अल्लाह ताला ने फिरौनियत की दस्तबुर्द से बचाकर जिंदा रखने के एहसान का जिक्र फरमाया। इज औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तुम्हारी माँ की जानिब वही की जो भी वही की जाती है। अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा के दिल में बच्चे को फिरौन की दस्तबुर्द से बचाने के लिए बात डाल दी थी, ये कि तू उसे संदूक में डाल, फिर उसको दरिया में फेंक दो, फिर लाजिम है कि दरिया उसको किनारे पर डाल दे, उसे एक शख्स उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है, और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक मोहब्बत डाल दी है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी थी सैयदना मूसा पर, और ताकि तुम मेरे सामने परवरिश किए जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने माँ को हुक्म दिया था संदूक बनाओ, बच्चा डालो, दरिया के हवाले कर दो।
तो उन्होंने अपना बच्चा दरिया के हवाले थोड़ी किया था, अल्लाह ताला के हवाले किया था। तो क्या आपको यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला के सुपुर्द जो चीज़ की जाए अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। जब तुम्हारी बहन चल रही थी, चुनांचे वो कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं जो उसकी अच्छी तरह परवरिश करेगी, बस हमने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करे, और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर हमने उस गम से तुम्हें नजात दी और हमने तुम्हें मुख्तलिफ तरह से आजमाया, खूब आजमाना, फिर तुम कई साल मदीन वालों में रहे, फिर तुम अपने मुकर्रा वक्त पर आ गए हो ऐ मूसा, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक टाइम पर आए हो। सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम माँ के पास वापस लौटा दिए गए थे जब फिरौन के महल में आए, क्योंकि किसी का दूध नहीं पिया, बच्ची ने जब गाइड किया तो माँ का दूध पीने के लिए सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम रजामंद हो गए, जवान हुए, एक किप्ती को कत्ल किया और मदीन चले गए, कई साल मदीन रहे, अरब वापसी का सफ़र है। और मैंने तुम्हें ख़ास तौर पर अपने लिए बनाया है, यानी ख़ास तरबियत की है, आप पर नज़र करम की है ताकि आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ। इज़बन तबाहू कभी आयाती, तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियों के साथ जाओ, वला तनिया फी जिक्री, और तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती न करना, मेरे जिक्र को लाजिम पकड़ लो। देखें, कोई भी बड़ा काम करना है अल्लाह को याद करना ज़रूरी है, उससे मदद मांगनी ज़रूरी है। इज़बाइला फिरौना इन्नहू तगा, तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, यकीनन वो सरकश हो गया है, फिर दोनों उससे नरम बात कहो, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, यकीनन हमें खौफ है कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या वो सरकशी करेगा। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने और सैयदना मूसा ने खदशे का इजहार किया कि कहीं पैगाम पहुँचाने से पहले फिरौन हम पर ज़्यादती ना करे और हम पैगाम पहुँचाने के काबिल ही ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तखाफा, डरो मत, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अस्मा व अरा, मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, यानी तुम मेरी नज़रों के सामने जाओगे। तो दोनों उसके पास जाओ और कहो कि यकीनन हम दोनों तेरे रब के भेजे हुए हैं, चुनांचे बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उनको अजाब ना दे, यकीनन हम तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आए हैं, और सलाम हो उस पर जो हिदायत के पीछे चला। बिलाशुबा यकीनन हमारी तरफ वही की गई है कि बेशक उस शख्स पर अजाब है जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। फिरौन ने कहा, फमर रब्बुकुमा या मूसा, तो तुम दोनों का रब कौन है मूसा? قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी सूरत अता की फिर उसे रास्ता दिखाया। फिरौन ने कहा, फिर तो पहले जमाने के लोगों का क्या हाल है, यानी जिन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की गैरों की, तो ये बताओ कि वो इस वक्त किस हाल में है। किस कदर खूबसूरत कम्युनिकेशन है हजरत मूसा की, जवाब देते हैं लेकिन जवाब पर आप पशश कर उठेंगे गौर करने के बाद। काला इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब, मूसा ने कहा उसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में, अपने इल्म को अपने रब के हवाले कर दिया कि इसका इल्म तो मेरे रब के पास है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूलता है ना गलती करता है, वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए और आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए से मुख्तलिफ नबातात की कई किस्में निकाली, खाओ और अपने मवेशियों को चराओ, बिलाशुबा इसमें अक्लमंदों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। रुकू नंबर 12 है, इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी में से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। इंसान की ज़मीन पर पैदाइश बेमकसद नहीं है, ज़मीन से पैदाइश, ज़मीन के अंदर रिहाइश और ज़मीन से बरामदगी को अल्लाह ताला ने दलील बनाया है कि ज़मीन पर पैदाइश
बेमकसद नहीं है। और बिला शुबा यकीनन हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई तो उसने झुटलाया और इनकार किया। उसने कहा मूसा क्या तुम हमारे पास आए हो कि अपने जादू से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो, तो हम भी तुम्हारे पास ज़रूर ऐसा ही जादू लाएंगे। चुनांचे हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर लो, ना हम उसके ख़िलाफ़ करेंगे और ना तुम, ऐसी जगह में जो हमवार हो। फिरौन ने जादू के मुकाबले में यानी मोजज़े के मुकाबले में अपना जादू लाने का ऐलान कर दिया। मूसा ने कहा तुम्हारे वादे का वक्त मेले का दिन है और ये कि लोग दिन चढ़े जमा किए जाएँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने मेले के दिन को वादे का वक्त बना दिया। फिर फिरौन वापस लौटा तो उसने अपनी सारी तदबीरें जमा की, फिर मुकाबले पर आ गया। मूसा ने उनसे कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अल्लाह ताला पर झूठ ना बांधो वरना वो तुम्हें एक अजाब से फना कर देगा, और यकीनन झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद हुआ। तो उन्होंने अपने मामले में आपस में झगड़ा किया और उन्होंने पोशीदा सरगोशी की। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर के नतीजे में उनके दरमियान इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने कहा कि बिला शुबा ये दोनों यकीनन जादूगर हैं, वो दोनों इरादा रखते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दें और तुम्हारे मिसाली तरीक़े ज़िंदगी का खात्मा कर दें। मुकाबले पर इसरार करने वालों ने सैयदना हारून और सैयदना मूसा को ख़तरनाक जादूगर करार दे दिया जो मिस्र पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। चुनांचे आज अपनी तदबीरें पुख्ता करो, फिर सफ बस्ता होकर आओ, और यकीनन आज जिसने गलबा हासिल किया वही कामयाब हुआ, आज जो जीता वही सिकंदर है, वही कामयाब है। उन्होंने कहा मूसा तुम फेंकते हो या हम पहले हों जो फेंकें। जादूगरों ने चैलेंज का आगाज और उसूल के तहत किया, कहा तुम फेंकते हो या हम फेंकें। मूसा ने कहा बल्कि तुम ही फेंको। तो यकायक उनकी रस्सियाँ, उनकी लाठियाँ, उनके जादू से मूसा को ख्याल डाला जाता था कि वाकई वो दौड़ रही हैं। फ़ौजा सफ़ी नफ़सी क़ीफ़तम मूसा, चुनाचे मूसा ने अपने दिल में कुछ डर महसूस किया बशरी तकाजे के तहत। हमने कहा डरो मत, यकीनन तुम ही गालिब हो। वह अलका माफ़ी यमीनी का, और फेंक दो जो तुम्हारे दाएँ हाथ में है, जो कुछ उन्होंने बनाया उसे वो अभी निगल जाएगा। यकीनन जो कुछ उन्होंने बनाया है जादूगर की चाल है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता जहां से भी वो आए। तो जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और उन्होंने कहा हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन ने कहा तुम उस पर ईमान ले आए हो इससे पहले ही कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता, यकीनन वो ज़रूर तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, बस यकीनन मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ समतों से काटूंगा और मैं खजूर के तनों पर तुम्हें ज़रूर फांसी दूंगा, और तुम्हें ज़रूर मालूम हो जाएगा कि हम में से कौन अजाब देने में ज़्यादा सख्त और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। जब जादूगरों ने ईमान लाने का फ़ैसला किया तो फिरौन की तरफ से इल्ज़ाम तराशी का रवैया सामने आया। जादूगरों ने कहा हम तुम्हें उन पर हरगिज तरजीह नहीं देंगे जो वाज़े दलाइल में से हमारे पास आ गए हैं, और ना ही उस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया। चुनांचे फैसला करो जो तुम फैसला करने वाले हो, यकीनन तुम सिर्फ इस दुनिया के ज़िंदगी का फैसला करोगे। यकीनन हम तो अपने रब पर ईमान लाए हैं ताकि वह हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और उस जादू के काम को जिस पर तूने हमें मजबूर किया, और अल्लाह ताला बेहतर और सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है। जादूगरों ने ईमान लाते ही बख्शिश की दुआ की और मुआफ़ी की दरख्वास्त की। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्ना लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। बिलाशुबा जो शख्स अपने रब के सामने मुजरिम बनकर आएगा तो यकीनन उसके लिए जहन्नम है, उसमें वो ना मरेगा और ना जिएगा। और जो शख्स अपने रब के पास मोमिन होकर आएगा जिसने नेक अमल किए होंगे तो उनके उन लोगों के लिए बुलंद दराजात हैं, नेक लोगों के लिए आरामदेह ज़िंदगी होगी, हमेशा की जन्नतें जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। जिसने पाकिजगी इख्तियार की उसकी कितनी उम्दा जजा है।
रुकू नंबर 13 है, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा की तरफ वही की कि रात के वक्त मेरे बंदों को लेकर निकलो, फिर उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बनाओ, ना तुम ताकुब का खौफ खाओगे और ना ही तुम डरोगे। फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका पीछा किया तो उनको समंदर से ढांप लिया उस चीज़ ने जिसने उन्हें ढांपा था। फिरौन पीछा करते हुए निकला और उसके लश्कर समंदर में डूब गए, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और सही रहनुमाई न की, शिर्क और बुत परस्ती के रास्ते पर चलाया। ए बनी इसराइल, यकीनन हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दिलाई, और हमने पहाड़ की दाई जानिब का तुम्हें वादा दिया, और हमने तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपने एहसानात याद दिलाए हैं कि तुम्हें दुश्मन से नजात अता की, तौरात के नुजूल के लिए तूर पर बुलाया और तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम किया, खाओ पाक चीज़ों में से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया, और उसमें हद से ना बढ़ो वरना मेरा गज़ब तुम पर टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गज़ब टूटा तो यकीनन वो हलाक हुआ। और बिलाशुबा जिस शख्स ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए फिर सीधी राह पर चला तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। वमा आजलक अन कौमिका या मूसा, और क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से जल्दी ले आई है मूसा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलामी की मिठास पाई थी, अब पता चला फिर कलाम होगा, इसलिए वो जल्दी करके मुकर्रर दिन से पहले रब से मुलाकात के इश्तियाक में कौम को छोड़कर आगे चले गए। काल हम उलाई अला सरी, मूसा ने कहा वो लोग मेरे निशाने कदम पर ही हैं, अरे मेरे रब मैं जल्दी आपकी तरफ आ गया ताकि आप राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर बिलाशुबा हमने यकीनन तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया है। तो मूसा गज़बनाक अफसोस करता हुआ अपनी कौम की तरफ लौटा, उसने कहा ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था, तो क्या तुम पर लंबा ज़माना गुजर गया था, या तुम चाहते हो कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से गज़ब टूट पड़े, तो तुमने मुझसे वादा खिलाफी की। यानी अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानियाँ की और तुम गुमराही में पड़ गए। उन्होंने कहा हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि कौम के जेवरात के बोझ हम पर लाद दिए गए तो हमने उन्हें फेंक दिया। फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ कर डाला, यानी सामरी ने जेवरात को पिघलाया और बछड़े की शक्ल दे दी। फअखरज लहुम इजलन जसद लहू खुआर, बस उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाला जिसके लिए जिस्म था जिसकी बैल जैसी आवाज़ थी। फिर लोगों ने कहा यह है तुम्हारा और मूसा का माबूद, सो वो भूल गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को याद नहीं रहा। तो क्या वो देखते नहीं थे, ना वो उनकी बात का जवाब देता है, ना उनके किसी नुकसान का इख्तियार रखता है और ना किसी नफ़ा का। अल्लाह ताला ने उनके शऊर को झंझोड़ा है, जो ना नफ़ा पहुँचाए ना नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखता हो वो माबूद कैसे हो सकता है। रुकू नंबर 14 है, और हारून ने उनसे पहले ही कहा था ए लोगो यकीनन तुम उसकी वजह से फितने में डाले गए हो, और यकीनन तुम्हारा रब तो रहमान है, चुनांचे तुम मेरी पैरवी करो और मेरे हुक्म की इताअत करो। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को उस वक्त समझाया जब वो सामरी के पीछे लगकर बछड़े की इबादत करने लग गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। उन्होंने कहा हम तो उसी की परस्तिश पर जमे रहने वाले हैं, यहाँ तक कि मूसा हमारी तरफ लौट आए बन इसराइल ने बछड़े की इबादत छोड़ने से इनकार कर दिया। मूसा ने कहा ए हारून तुमने जब इन्हें देखा कि वो गुमराह हुए तो किस चीज़ ने तुम्हें रोका, यानी तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका कि तुम मेरी पैरवी ना करो, क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। हारून ने कहा ए मेरी माँ के बेटे तुम मेरी दाढ़ी ना पकड़ो ना ही मेरे सर को, यकीनन मैं इससे डरा कि तुम कहोगे तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और तुमने मेरी बात का इंतज़ार नहीं किया। सैयदना हारून अलैहि सलाम ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा मेरी दाढ़ी पकड़कर बाल ना खींचो। मूसा ने कहा तो ऐ सामरी तेरा क्या मामला है। सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने सामरी को मुखातिब करके कहा तुम्हें बछड़ा बनाने के लिए किस चीज़ ने आमादा किया। उसने कहा मैंने वो चीज़ देखी जिसको इन्होंने नहीं देखा, तो मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली, कहने लगा सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा गुजरा था
उसके कदमों तले से मैंने मट्टी उठा ली, फिर मैंने उसको फेंक दिया और इसी तरह मेरे नफ्स ने मेरे लिए खुशनुमा बना दिया। मूसा ने कहा कि फिर जाओ तो यकीनन दुनिया की जिंदगी में तुम्हारी यही सजा है कि तू कहता रहे मुझे ना छूना, लामिसास, और यकीनन तेरे लिए एक वादा है जो तुझसे कतन टाला नहीं जाएगा। और अपने माबूद को देख जिस पर तू मुजावर बन बैठा था, हम जरूर उसे जला डालेंगे, फिर हम जरूर उसे समंदर में उड़ा देंगे, अच्छी तरह उड़ाना। यकीनन तुम्हारा माबूद तो बस एक ही माबूद है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर वसी है। इसी तरह हम आपको उनकी कुछ खबरें बयान करते हैं यकीनन जो पहले गुजर चुके, और यकीनन हमने आपको अपने पास से एक जिक्र अता किया है, यानी आप पर हमने कुरान नाजिल किया है। इसी कुरान के जरिए ही इंसान अपने रब को याद करता है, रहनुमाई हासिल करता है और कामयाब होता है। जो इससे मुंह मोड़ेगा तो यकीनन वो कयामत के दिन एक बड़ा बोझ उठाएगा। ये बोझ कैसा बदतरीन बोझ है, इस बोझ को उठाने वाला कयामत के दिन जहन्नम की आग में जाएगा जिससे वो बच नहीं पाएगा, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और कयामत के दिन उनके लिए एक बड़ा बोझ होगा जो किसी भी एतबार से मुफीद ना होगा, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। और उस दिन हम इस साल में मुजरिमों को जमा करेंगे कि वो नीली आंखों वाले होंगे, गम और खौफ की वजह से मुजरिमों के चेहरे नीले हो जाएंगे। वो आपस में चुपके चुपके कहेंगे शिद्दत हौल की वजह से कि तुम लोग दुनिया में बस 10 दिन ही रहे हो। हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कहेंगे, जब उन सब में से बेहतरीन राय रखने वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन ठहरे हो। इंसान को यही लगेगा ना, जिंदगी बस चंद रोज की थी, चंद रोजा जिंदगी के लिए कितने घाटे का सौदा है कि उस जिंदगी में जो कुछ मिला यही लगाकर सब कुछ यहीं जाया करके चले जाएं। वो यस अलूनक अनिल जिबाल, और वो तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं, चुनांचे आप कह दें मेरा रब उन्हें उड़ाकर बखेर देगा, फिर उन्हें चटियल मैदान बनाकर छोड़ देगा। पहाड़ों की बुलंदियों की जगह हमवार सीधा मैदान होगा, आप उसमें ना कोई टेढ़ देखेंगे और ना कोई टीला, जमीन में कोई नशेब फराज नहीं होगा। उस दिन सब लोग बुलाने वाले के पीछे चल पड़ेंगे, किसी में कोई कजी ना होगी और आवाजें रहमान के लिए दब जाएंगी, चुनांचे आप सरसराहट के सिवा कुछ ना सुनेंगे। उस दिन सिफारिश फायदा ना देगी मगर जिसको रहमान इजाजत देगा और उससे बात करना पसंद फरमाएगा। कयामत के दिन उसी की सिफारिश नफा देगी जिसे अल्लाह ताला इजाजत देगा और उसकी बात से राजी भी हो। वो सब जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और वो सब इल्म से उसका इहाता नहीं कर सकते। वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, और तमाम चेहरे उस जिंदा रहने वाले और कायम रहने वाले के सामने झुक जाएंगे। और यकीनन नामुराद हुआ जिसने बड़े जुल्म का बोझ उठाया। और जो नेक अमल करेगा और वो मोमिन भी हो तो ना वो किसी नाइंसाफी से डरेगा और ना किसी हक तलफी से, ना उसकी नेकियों में कमी की जाएगी ना गुनाहों में इजाफा किया जाएगा। और इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है, और इसमें हमने हर हुक्म से तरह तरह की कुछ वईदें बयान की हैं शायद के लोग डर जाएं। अल्लाह ताला ने अरबी कुरान में तरह तरह की वईदें बयान की हैं ताकि लोग शिर्क से इज्तनाब करें, या वो कुरान उनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे जिससे वो गुनाहों को छोड़ दें। बस अल्लाह ताला बेहद बुलंद है, बादशाह हकीकी है, और आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें इससे पहले कि आपकी तरफ उसकी वही पूरी की जाए। और आप दुआ करें रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में ज्यादा कर। अल्लाह ताला बेहद बुलंद है, बादशाह हकीकी है, जिसने अपने नबी को इल्म के सिवा किसी चीज में ज्यादती तलब करने की नसीहत नहीं की। वलकद अहिदना इला आदम, और इससे पहले आदम को हमने ताकीद की तो वो भूल गया और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी ना पाई। रुकू नंबर 16 है, वइस्कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो
तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार कर दिया। माजरत खाऊं, फरिश्तों ने सजदे को अल्लाह का हुक्म समझा, इताअत की। इबलीस ने सजदे को इंसान का मामला समझा, इनकार कर दिया। माइंडसेट मैटर्स। आपकी जैसी जहन साजी होती है, आपका अमल उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के मुताबिक होता है। तो हमने कहा, ए आदम, यकीनन ये तुम्हारा तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो कहीं वो तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इन्नलक अल्ला तजुआ फीहा वला तारा, यकीनन तुम्हारे लिए ये है कि ना तुम भूखे रहोगे उसमें और ना नंगे रहोगे। मैं बड़े अदब के साथ माँ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सारे हॉल के लिए एक मुशक्कत ना पैदा करें प्लीज। मैं जो डिसिप्लिन पे हमारी टीम है उनसे कहना चाहती हूँ, काइंडली बच्चों के लिए कल से अलग इंतज़ाम करें। बच्चों की माएँ यहाँ पे खुद भी परेशान होती हैं और बाकी लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। यकीनन तुम्हारे लिए यह है कि ना तुम भूखे रहोगे उसमें ना नंगे रहोगे। जन्नत में इंसान को भूख और लिबास की फराहमी के लिए शाहाना इंतज़ाम किए गए, शाहाना सहूलतें दी गईं, और यकीनन उसमें ना तुम प्यासे रहोगे और ना तुम्हें धूप लगेगी। जन्नत की पाक सरजमीन में तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी तुम्हें धूप नहीं लगेगी। बस शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, उसने कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त ना बताऊं और ऐसी बादशाहत जो पुरानी ना हो? क्या मैं तुम्हें लाजवाब जिंदगी का राज ना बताऊं? इस राज के चक्कर में आदम अलैहिस्सलाम आ गए। सही नानस फरमाते, इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है और उसके साथ दो चीजें बाकी रह जाती हैं, एक हिर्स और अमल। अमल अलिफ से है। एक रिवायत में तो उसके साथ दो चीज़ें जवान हो जाती हैं, माल की हिर्स और तूले दुनिया की हवस, यानी जिंदगी बहुत लंबी हो जाए। बस उन दोनों ने उसमें से खा लिया तो उनके लिए उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे, और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की तो भटक गया। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया, बस उस पर तवज्जो फरमाई और हिदायत दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों इकट्ठे इससे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। फिर अगर वाकई मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा और ना मुसीबत में पड़ेगा। जमीन पर उतारने का फैसला अजाब की वजह से नहीं, अल्लाह ताला की हिकमत व मसलियत और मशीयत के मुताबिक था। वमन आरज़न ज़िक्री, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो उसके लिए यकीनन दुनिया की जिंदगी तंग होगी और हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। बहुत बड़ी वईद है अल्लाह की किताब कुरान मजीद को छोड़ने वालों के लिए। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया हालांकि मैं यकीनन देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा, कज़ाली का अतत का आयातुना फनसीतहा, इसी तरह हमारी आयात तुम्हारे पास आई थी तो तूने उन्हें भुला दिया, और इसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। और इसी तरह हम बदला देते हैं उस शख्स को जो हद से गुजर जाता है और अपने रब की आयात पर ईमान नहीं लाता, और यकीनन आखरत का अजाब ज्यादा सख्त और ज्यादा बाकी रहने वाला है। तो क्या उन लोगों को इस बात ने हिदायत नहीं दी कि हमने इनसे पहले कितने ही जमाने के लोगों को हलाक कर दिया जिनकी बस्तियों में ये चलते फिरते हैं? यानी कभी वो लोग आबाद थे जिनको, जिन पर अजाब आ गया, अब ये लोग चलते फिरते हैं तो अपने आप को बेखौफ क्यों समझते हैं? बिलाशुबा इसमें यकीनन अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। रुकू नंबर 17 है, और अगर आपके रब की जनाब से एक बात ना होती और एक मुकर्रा वक्त ना होता तो अजाब जरूर लाजिम हो जाता। चुनांचे जो लोग बातें करते हैं आप उन पर सब्र करें और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करें, सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले और रात के औकात में भी तस्बीह करें और दिन के किनारों पर भी, ताकि आप राजी हो जाएं।
और आप नज़र उठाकर भी ना देखें उसकी तरफ जो हमने उनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को सरो सामान दिया है, दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, ताकि हम उन्हें उस आजमाइश में डालें और आपके रब का रिज़्क ही बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। वामुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, और आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और ख़ुद भी उस पर खूब पाबंद रहें। हम आपसे कोई रिस्क नहीं मांगते, रिस्क तो हम ही आपको देंगे और आखिरी अंजाम तो तकवा वालों के लिए है। और उन्होंने कहा कि वो हमारे पास हमारे रब की जानिब से मुझसे क्यों नहीं लाता, और क्या इनके पास पहले सहीफ़ों की कोई दलील नहीं आई? मोजज़ात का मुतालबा और कुरान हकीम के मोजज़ा होने की दलील है, और अगर हम इससे पहले उन्हें किसी अजाब में हलाक कर देते तो वो कहते ऐ हमारे रब तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा, फिर हम तेरी आयात की पैरवी करते इससे पहले कि हम जलील और रुस्वा होते। आप कह दें कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू, हर एक मुंतजर है सो तुम भी इंतज़ार करो, फिर जल्दी तुम जान लोगे कि सीधे रास्ते वाले कौन हैं और किसने हिदायत पाई। मुसलमान और काफिर सब देखें कुफर गालिब रहता है या इस्लाम, और अल्लाह ही के लिए सब तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 16वां पारा कंप्लीट हुआ और इस्लाह के साथ रंग है, और पहला रंग कुरान का है। तिलावत कुरान करना क़यामत के दिन नूर का बायस होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसे वमन तलाहा, और जो इसे यानी कुरान को तिलावत करता है उसके लिए ये क़यामत के दिन नूर होगा। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे तिलावत की और उम्दा तिलावत की। दूसरा रंग दुआ का है, मुझे नफ़ा दे दीजिए। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया है उसके साथ मुझे फ़ायदा दे। वअल्लिमनी मा यन्फ़उनी, और मुझे सिखा दे जो मुझे नफ़ा दे। वज़िदनी इल्मा, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बहुत ही प्यारी दुआ है। तीसरा रंग वज़ू का है, कानों का मसा। कान जिनसे हम सुनते हैं, समात अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन खुले कानों के अंदर हर आवाज़ जगह बना सकती। कान झूठ सुनते हैं, गिबत सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, गपशप सुनते हैं, ऐसे कान लेकर रब से मुलाकात करेंगे? आओ मसा कर लें। मसा करते हुए ये सोचना है इस कान से जो बुराई के काम किए हैं वो सब धुल रहे हैं, और आइंदा बुराई के काम ना करने का अहद करना है इंशाअल्लाह। और हर बार हर वज़ू के साथ अल्लाह ताला कमज़ोरियों को जानता है, वो रहम करेगा इंशाअल्लाह। चौथा रंग नमाज का है, और अल्फातिहा में से आज चौथी आयत है, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। नमाज के दौरान दो चीज़ों का तसव्वुर करना है, अल्लाह अज़ीम है और वो मालिक है, मुल्क उसी का है उसके अलावा किसी का नहीं। फैसला अल्लाह ताला के इख्तियार में है, नेकी का बदला भी तो वही देगा और बुराई के बदले का इख्तियार भी उसी को हासिल है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। इस तसव्वुर को जहन में लाना है कि वो दिन कितना सख्त होगा जब सब कुछ सामने आ जाएगा, कितने झूठ बोले, कितनी गिबतें की, कितनी हकतलफियाँ की, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी दुआएँ की, कितना जिक्र किया, कितना कुरान से ताल्लुक़ रखा। उस दिन जिसका वही मालिक है उस दिन सब कुछ खुल जाएगा। या अल्लाह उस दिन की रुसवाई से बचा लेना। खुशू के लिए नमाज के दौरान दाएं बाएं और ऊपर नहीं देखना, सजदे की जगह पे देखना है। पांचवा रंग अखलाक का है, और आज हम सब्र को देखेंगे। जो शख्स बुराई से पेश आए और तकलीफ़ें दे उसके कसूर को मुआफ़ करना है, नाखुशगवार बर्ताव पर खुशगवार बर्ताव करना है, सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लाह मा सबिरीन, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क़यामत के दिन फरिश्ते सब्र करने वालों को यूँ मुबारकबाद देंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़्बद्दार, तुम पर सलाम उसके बदले जो तुमने सब्र किया,
सो कितना ही अच्छा है इस घर का अंजाम। छठा रंग इन्फाक फी सबीलिल्लाह का है, इंसान खर्च करे तो रब भी उस पर खर्च करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अनफिक उनफिक अलैह, ऐ इब्ने आदम तुम खर्च करो मैं भी तुम पर खर्च करूँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, रात और दिन के मुसलसल खर्च से भी उसमें कमी नहीं आती। सातवां रंग है, आज क्या करें, क़यामत के दिन अपने लिए नूर हासिल करने के लिए कुरान हकीम की तिलावत करनी है और करनी सीखनी है इंशाअल्लाह। दूसरों की तुर्श बातों और तकलीफ़देह रवैयों पर सब्र करके जन्नत की खुशखबरी और फरिश्तों की मुबारकबाद को याद रखना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हुए उसके रास्ते में खर्च करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वसुभानल्लाहि बुकरतन व असीला, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानल्लाहिल अज़ीम, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث। जिंदा रहने वाले कायम रहने वाले हम सब तुझसे तेरी रहमत की फरियाद करते हैं। या अरहमर रहीमीन आपसे इस्तेदा है, इलाही हमारी ख़ताओं को, गलतियों को, गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। इलाही हमारे वालिदैन और हमारे बड़ों की ख़ताओं को मुआफ़ कर दीजिए। इलाही हमारी औलादों की गलतियों ख़ताओं को मुआफ़ कर दीजिए। या अरहमर रहीमीन आपसे इस्तेदा है, इलाही नेकियों का शौक़, उसकी रग़बत, उसकी मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह बुराई से नफ़रत और बुराई से बुग़्ज़ रखने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अरहमर रहीमीन आपसे इस्तेदा है, इलाही खुशू वाली नमाजें नसीब कर दीजिए। या अल्लाह तिलावत का ज़ौक़ नसीब कर दीजिए। या अल्लाह आधी रात की नमाज नसीब कर दीजिए। या अल्लाह आपसे इस्तेदा है, ऐसे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा दीजिए जो आपको पसंद आ जाएँ। या अल्लाह ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए जो आपको पसंद आ जाएँ। या अल्लाह आपसे इस्तेदा है, ऐ पाक परवरदिगार इस बरस हमें लैलतुल कद्र ज़रूर नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की तलाश के लिए आखिरी अशरे की मेहनत नसीब फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। रमज़ान।